आदा। इजलास के सदर मोहतरम डॉक्टर मुश्ताक आलम कादरी की इजाज़त के साथ मैं असदुल्ला, रिसर्च स्कॉलर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, अपने तमाम मेहमानों, शुरकाए इजलास, मकाला निगारान और सामईन का तहदिल से शुक्रिया अदा करते हुए आप सभी को आदाब सलाम पेश करते हैं और गालिब इंस्टीट्यूट में आपकी आमद का इस्तकबाल करते हैं। ख्वातीनों हजरात, वजारत सकाफत हुकूमत हिंद के ताउन से गालिब इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद होने वाले इस 3 रोज़ा बैन अल-अक़वामी रिसर्च स्कॉलर्स गालिब सेमिनार के पहले सेशन के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हम सब जानते हैं कि गालिब इंस्टीट्यूट की बुनियाद गालिब की वफात के 100 साल मुकम्मल होने पर 1971 में रखी गई थी। तब से लेकर अब तक मुल्क का ये नामवर और मारूफ इदारा, जो कि मुख्तलिफ इल्मी, तहकीकी और सकाफती सरगर्मियों के लिए जाना जाता है, न सिर्फ सरगर्म अमल है बल्कि दिन ब दिन इसकी फ़ालियत रोज़ अफजू है और ये सिलसिला ताहाल जारी है। गालिब इंस्टीट्यूट हमारे मुल्क का इल्मी धरोहर और विरसा है। इंस्टीट्यूट के जिम्मेदारान को बखूबी मालूम है कि इल्म का ही बका है और बकिया सब फ़ानी। बकौल फारूक शकील कि इल्म को फैलाइए अच्छे मकासिद के लिए, इल्म को फैलाइए अच्छे मकासिद के लिए ताकि दुनिया की तरक्की का निशाना बढ़ सके। गालिब इंस्टीट्यूट के मौजूदा डायरेक्टर डॉक्टर इदरीस अहमद हमारे बीच मौजूद हैं। आपकी पूरी टीम की मेहनत है कि हम रिसर्च स्कॉलर एक साथ न सिर्फ यहाँ जमा होते हैं बल्कि एक दूसरे से शनासाई और एक दूसरे के साथ तहकीकी कामों पर हो रही पेशरफ्त से भी आगही हासिल करते हैं। ये इस सेमिनार की बरकत है। हमारे लिए एक सुनहरा मौका होता है जो हर साल गालिब इंस्टीट्यूट के तवस्सुत से हमें फराहम किया जाता है। बहरहाल इस निज़ामत के ताल्लुक से हमें डॉक्टर महज़र रज़ा साहब ने जब फ़ोन किया तो मैंने उनसे कहा कि भाई हमसे मकाला पढ़वाइए, हम मकाला लिखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मकाला तो तालीम याफ्ता लोग लिखते पढ़ते हैं, आप चूंकि बोलते ज़रा ज़्यादा हैं तो आप माइक पर आइए, निज़ामत सवाल ही अगली बार कभी देखेंगे। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इस निज़ामत के लिए हमें मौका दिया। इससे पहले कि हम अपने मकाला निगारान को मकाला खाने के लिए मधु करें, मुनासिब मालूम होता है कि मकाला निगारान के सामने ये बात रख दी जाए कि वक्त जो मुतय्यन किया गया है वो 7 से लेकर 10 मिनट है। हमें उम्मीद है कि हम सब रिसर्च स्कॉलर हैं, तालीम व तालीम से ताल्लुक़ रखते हैं और वक्त का भी ख्याल रखेंगे। 7 से 10 मिनट के अंदर हम अपने मकाले को मुकम्मल कर देंगे क्योंकि इसके बाद हमारे सदर मोहतरम सदारती खुतबे में जो कुछ हमारे मकाले में कुछ लिखा हुआ होगा उसकी बाबत गुफ्तगू फरमाएंगे, तो हमें उन्हें भी वक्त देना है। इसके अलावा अगला जो सेशन होना है उसका वक्त भी 11:30 बजे का रखा गया है। तो मैं अपने तमाम सामईन का शुक्रिया अदा करते हुए गालिब इंस्टीट्यूट के तमाम जिम्मेदारान का, तमाम स्टाफ का शुक्रिया अदा करते हुए मैं गुजारिश करूंगा अपने सदर मोहतरम प्रोफेसर मुश्ताक आलम कादरी साहब से कि आप आएं, डाइस पर तशरीफ लाएं। डाइस पर प्रोफेसर मुश्ताक आलम कादरी इस इजलास की सदारत फरमाएंगे। शुक्रिया सर। इसके बाद हमारे मकाला निगार जनाब मोहम्मद फराज खान साहब अगर मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप यहां तशरीफ लाएं अपनी सीट पर। जनाब हसन सईद साहब मौजूद हैं तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप अपनी सीट संभालें। मोहतरमा शहला करीम साहब अगर हैं तो उनसे भी गुजारिश है कि आप अपनी सीट पर विराजमान हों। जनाब मोहम्मद फैसल साहब, उनसे भी गुजारिश है कि आप अपनी सीट पर आएँ। जनाब मोहम्मद शिवली आज़ाद साहब, मोहम्मद शाहरुख अबीर साहब, आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएँ। हजरात, ये मकाला जैसा कि कल इफ्तिताही सेशन में प्रोफेसर किदवई सर ने बहुत मार्के की बात कही, बहुत अहम बात कही थी कि यहां पर पहले जो प्रोफेसर हजरात होते थे उन्हें मकाला खाने की दावत दी जाती थी, मकाला वो पढ़ते थे, उन्हीं से लिखवाया भी जाता था। लेकिन गालिबन जहां तक मेरी याददाश्त है कि 1991 के बाद जब 99 उसके बाद रिसर्च स्कॉलर को मधु किया जाने लगा, तब से इसकी हालत बदल गई। और दिन ब दिन जैसा कि हम सब जानते हैं, अखबारात में पढ़ते रहते हैं कि जो हमारे मौजूदा डायरेक्टर हैं
उनकी फालियत का ये हाल है, बल्कि उनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आए दिन दिन ब दिन कोई ना कोई प्रोग्राम यहाँ होता रहता है और एक से बढ़कर एक प्रोग्राम होता रहता है। ये इस इदारे की सरगर्मी का नतीजा है कि गालिब इंस्टीट्यूट न सिर्फ दिल्ली के अंदर बल्कि मुल्क के अंदर जहां जहां भी इदारे इस तरह के कायम हैं इसकी मिसाल दी जाती है। ये भी कल हमने सुना इस्तेदाई प्रोग्राम में कि इदारे तो बहुत कायम हुए, बहुत कायम किए गए, जैसा कि सैयद शाहिद मेहरी साहब का जहां तक मुझे याद है कि उन्होंने ये कहा कि इदारे बहुत कायम किए गए लेकिन इसकी मिसाल मिल नहीं सकी अब तक। वजह, इदारा, इदारे के डायरेक्टर, उनकी पूरी टीम, यहाँ का पूरा अमला, ये हरदम हमा वक्त उर्दू अदब के तहत उर्दू की खिदमत करते हुए या जो कुछ इनसे मुमकिन हो सकता है, सकाफती प्रोग्राम हो या ड्रामे का प्रोग्राम हो या फिर मकाले का प्रोग्राम हो या फिर यूनिवर्सिटी लेवल की यूनिवर्सिटी सतह का जो भी प्रोग्राम होता है, ये इसको बखूबी इनेकाद करते हैं और उसको हम और आप कहीं ना कहीं पढ़ते रहते हैं। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं बढ़ता हूँ इस प्रोग्राम की तरफ। इस सेशन के पहले मकाला निगार हैं जनाब मोहम्मद फराज खान साहब, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अपना मकाला हम सामईन के सामने पेश करें। जनाब मोहम्मद फराज खान साहब, आप शोबे फारसी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, आपके मकाले का उन्वान है शरह फुतूहुल गैब की अदबी अहमियत और मानवियत। जनाब मोहम्मद फराज खान साहब। शरह फुतूहुल गैब की अदबी अहमियत और मानवियत, मकाले का उन्वान। फारसी अदब की तख्लीकी दुनिया में मुख्तलिफ असनाफ की तरबीज के अलावा तर्जुमा निगारी के फन पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई है। फारसी मुतर्जमीन ने फन तर्जुमा निगारी को इस कदर बुलंदी पर पहुँचा दिया है कि फारसी जबान व अदब में उसकी एक मजबूत रिवायत नज़र आती है। इसी रिवायत की अहम कड़ी शरह फुतूहुल गैब भी है, जो अपनी अदबी अहमियत व मानवियत के पेश नज़र 17वीं सदी ईस्वी के उन शाहकार तराजम में शुमार की जाती है जिनको इल्मी, अदबी और तहकीकी मैदान में ख़ास तवज्जो और इंफरादियत हासिल रही है। शरह फुतूहुल गैब तर्जुमा और तशरीह पर मबनी ऐसा फारसी कारनामा है जिसको मवाद और उसलूब दोनों एतवार से मसावी अहमियत हासिल है। मौजू के नुक्ते नज़र से ये किताब इरफानी और रूहानी मबाहिस की तफहीम में मुआविन साबित होती है, तो उसलूब की नारंगियों में अपने मुतर्जिम व मुतशर्रह की ज़ात की खूबसूरत अक्कास है। अगरचे ये किताब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की तबाज़ात तसनीफ नहीं है बल्कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी की अरबी तसनीफ फुतूहुल गैब से माखूज़ है, जिसको मिफ्ताहुल फुतूह के नाम से भी मौसूम किया जाता है, जो आपके 78 मकालों के मजमूए पर मुश्तमिल एक अहम किताब है जिसका फारसी तर्जुमा मा तशरीह शरह फुतूहुल गैब के नाम से शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने 1023 हिजरी में पेश किया ताकि अहले फारसी उसकी मौजूआती इफादियत से बखूबी वाकिफ हो सकें और अपनी बातिनी दुनिया को उसकी ज़िया से मुनव्वर कर सकें। इस इफादियत को बराह रास्त अंजाम दही के लिए शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने अपने उसलूब को नहायत ही सहल और सादा अल्फाज में पेश किया है ताकि हर खास और आम बगैर किसी लिसानी पेचीदगी के मसावी फ़ायदा उठा सकें, लेकिन मुतर्जिम की सहल पसंदी या अल्फाज की सादगी उसकी तहरीर को अदबी ठेस नहीं पहुँचाती बल्कि इस सादगी में भी उनका उसलूब नगारिश अदबी खूबियों का हामिल नज़र आता है। फुतूहुल गैब के मुतअद्दिद तराजम हो चुके हैं जिनमें इब्ने तैमिया के तर्जुमे को अव्वलियत हासिल है। उसके अलावा हिंदुस्तान में भी उसके मुतअद्दिद तराजम हो चुके हैं जिनमें अहद अकबरी के मुतर्जम शेख इब्राहिम सरहिंदी के तर्जुमे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसके बाद शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी का तर्जुमा शुमार किया जाता है जो अपने सबका तराजम के मुकाबले में सबसे मुनफरद और अछूता है। अदबी तराजम में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी का तर्जुमा ज़्यादा दिल नशीं, ज़ूद फहम और फितरी है। यही वजह है कि शेर की शरह फुतूहुल गैब की कदर व कीमत मुतय्यन करने में बेशतर दानिशवरों ने अपने नाकेदाना ख्यालात पेश किए और उसकी अहमियत व मानवत को तस्लीम करते हुए गिरा कदर नुकात की ग्रह कुशाई की। इस कबील के दानिशवरों में खलीक अहमद निज़ामी का नाम काबिल ज़िक्र है जिनको अब्दुल हक
मुहद्दिस शनास कहा जाता है। शुक्रिया फराज खान साहब, आप पेश कर रहे थे शरह फुतूहुल गैब की अदबी अहमियत और मानवीयत। इससे पहले कि हमारे अगले मकाला निगार हमारे दरमियान हाजिर हों, हमारे मेहमान जामे मिल्लिया से हमारे असातिज़े किराम तशरीफ लाएँ, प्रोफेसर नदीम सर, प्रोफेसर इमरान अंदली, डॉक्टर तनवीर साहब, डॉक्टर मुशीर साहब और मशहूर सहाफ़ी मासूम मुरादाबादी हमारे दरमियान मौजूद हैं। इदारा आपका इस्तकबाल करता है। हमारे अगले मकाला निगार हैं जनाब हसन सईद साहब, शोबे फारसी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली से। आपका मौजू है अहद फिरोजशाही का एक नादिर मजमू मलफूजा, खजानतुल फवाइद, अल फवाइदुल जलालिया। आपसे गुजारिश है कि आप आए। सदर इजलास की इजाजत है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे मकाले का उनवान है अहद फिरोजशाही का एक नादिर मजमू मलफूजात, खजानतुल फवाइद जलालिया। वक्त की किल्लत को देखते हुए सिर्फ चंद शजरे आपकी खिदमत में पेश हैं। मलफूज एक सूफी शेख की तालीमात का एक ऐसा आखिरी रिकॉर्ड होता है जिसे एक मुरीद खुद सुनता, देखता और मुरतब करता है। मुग़ल दौर से पहले के बारे में हम जो कुछ जानते हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा मलफूजात से ही माखूज है। मलफूज एक अरबी लफ्ज़ है जिसका लुग़वी माना है कहा गया या अदा किया गया लफ्ज़, और इससे मुराद वो तहरीरें हैं जो एक सूफी शेख के मुरीद की तरफ से शेख की गुफ्तगू, सरगर्मियों और तदरीस की ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्डिंग होती है। मलफूजात को हदीस व सीरत की इस्लामी रिवायात की एक मंतकी तरक्की के तौर पर देखा जा सकता है। मौजूदा दौर के मौर्रखीन को क़ुरून वुस्ता के मौर्रखों से ये गिला है कि उनकी तारीखें सलातीन व मलूक के गिर्द घूमती हैं और उन्हें पढ़कर उन पर शाही दरबारों के रोजनामचों का गुमान गुजरता है। इस आयत के मौर्रखों ने अपनी तारीखों में उस ज़माने के लोगों के रहन सहन और उनकी तहजीब व सकाफत के बारे में ज़्यादा मालूमात फराहम नहीं की। उनका गीला बजा है क्योंकि इस आयत में तारीख नवीसी का तसव्वुर मुख्तलिफ था। उस आयत के मौर्रखों से जो कोताही हुई है उसका इजाला उसी आयत के मलफूजात जमा करने वालों ने कर दिया है। फवाइदुल फवाद, दुरर निज़ामी, खैरुल मजालिस, जवामेउल कलीम, नफाइसुल अनफास, सुरूरुस सुदूर, अहसनुल अक़वाल, खुलासतुल अल्फाज़, जामेउल उलूम और ख़ज़ाने फवाइद जलालिया जैसे मलफूजात में उस दौर की तहजीब व सकाफत और रहन सहन के बारे में जो मालूमात मिलती हैं उससे हमारे सामने क़ुरून वुस्ता के आवाम की ज़िंदगी की सही तस्वीर उभरती है। ख़ज़ाने जलालिया के मौलिफ व मरतब शेख अहमद मारूफ बबाउद्दीन इबन याकूब इबन सुलेमान अलभट्टी मखदूम जहानिया के दस्त गिरफ्तार मुरीद, शागिर्द और इजाज़त याफ्ता हैं। उनके इल्मी तबाहुर पर उनका मुरतब करदा ये मजमुआ शाहिद अदल है। ये किताब शेख के दीगर मजमुए मलफूजात मसलन खुलासतुल अल्फाज व जामेउल उलूम, मनाकिब कुतुबी और ख़ज़ाने जवाहिर जलालिया से ज़मानी तकद्दुम रखती है। शुक्रिया हसन सईद साहब, आपने वक्त का ख्याल रखा, मुकर्रर वक्त पर आपने अपना मकाला मुकम्मल किया। अगले हमारे मकाला निगार हैं जनाब मोहम्मद फैसल साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से। आपके मकाले का मौजू है हुसैनुल हक, बहैसियत फिक्शन निगार। मेरे मकाले का उनवान है हुसैनुल हक, बहैसियत फिक्शन निगार। हुसैनुल हक ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ अफसाने से किया। उन्होंने पहला अफसाना जुदाई का जहर के उनवान से 1963 ईस्वी में तहरीर किया, लेकिन यह अफसाना किसी रसाले या अखबार की जीनत ना बन सका। इनका पहला मतबूआ अफसाना जैसे को तैसा है, जो दिल्ली के एक रसाले तीज वीकली में 1966 ईस्वी में छपा था। यहाँ से इनकी अदबी ज़िंदगी का बाकायदा आगाज़ होता है।
یہ آغاز کافی بے مثال رہا، وہ تاحیات ادب سے جڑے رہے، کہیں بحثیت قاری کے تو کہیں بحثیت ادیب۔ انہوں نے اپنے 8 افسانوی مجموعے اور 4 ناولوں سے اردو ادب کے دامن کو وسعت بخشی۔ ان کے ناول اماوس میں ہاپ کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے بھی سرفراز کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے جس طور میں ادب کی دنیا میں قدم رکھا وہ دور جدیدیت کا تھا، جس کا اثر ان کی تحریروں میں بخوبی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ادب میں فن کا بھی پورا خیال رکھا اور دونوں کے درمیان توازن سے کام لیا۔ ان کے افسانوں میں جدیدیت کے اثرات ضرور دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن ان میں صرف لفظوں کی شعبدہ بازی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے موضوع اور تکنیک دونوں کا انتخاب اس طور کیا کہ ادب کا حسن باقی رہے۔ وہ خود اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ موضوع کے غلبے کی طرح علامتی اور استعاراتی طرز بیان بھی اردو افسانے کا غالب طرز بیان رہا ہے۔ پریم چند سے مشرف عالم ذوقی بلکہ صدیق عالم تک کسی بھی افسانہ نگار کا کوئی بھی کامیاب افسانہ ایسا نہیں ہے جس میں کسی نہ کسی سطح کا علامتی یا استعاراتی نظام موجود نہ ہو۔ یہ عمل ادب کے اس آفاقی کلیے کی تائید ہے کہ برہنہ حرف نہ گفتن کمال گویا۔ انکوٹ نثر کی اہمیت، حسین الحق، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، نئی دہلی، 2013 عیسوی، صفحہ نمبر 150۔ حسین الحق کا ماننا ہے کہ موضوع اور تکنیک ایسی ہونی چاہیے کہ جو قاری کے ذہن میں ہلچل سی پیدا کر دے، اور ان کا خیال یہ بھی تھا کہ افسانہ مکمل نہیں ہونا چاہیے تاکہ قاری ادھورے افسانے کو اپنے ذہن کے سہارے پورا کرنے کی کوشش کرے۔ ان کی یہ صفت ہمیں تقریباً ان کے تمام افسانوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ کوئی بھی موضوع مکمل نہیں کرتے، بلکہ اختتام کے قریب آ کر اسے ایک ایسا موڑ دے دیتے ہیں کہ قاری کا ذہن بھی گردش میں آ جاتا ہے اور وہ خود سے افسانے کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانوں میں علامتیں اور استعارے کافی مقدار میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان استعاراتی اور علامتی انداز کے افسانوں میں سے بارش میں گرا مقام، چھرپا کے جھرنے، وہ بات، سوئی کی نوک پر رکا لمحہ، نیب کی اینٹ وغیرہ قابل ذکر ہے۔ افسانہ بارش میں گرا مقام میں انہوں نے ایک مقام کو انسانی زندگی کا استعارہ بنا کر پیش کیا ہے اور پوری انسانی زندگی کو قاری کے روبرو کر دیا ہے۔ یہ تھے جناب محمد فیصل۔ اگلے مقالہ نگار ہیں جناب محمد شبلی آزاد، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد سے۔ آپ کا موضوع ہے صلاح الدین پرویز کی شاعری کا تنقیدی تجزیہ۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ مائک پر تشریف لائیں، اور مولانا شہلا سے گزارش ہے کہ وہ ڈائس پر تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم۔ میرے مضمون کا جو عنوان ہے صلاح الدین پرویز کی شاعری کا تنقیدی تجزیہ۔ صلاح الدین پرویز کا اصل نام صلاح الدین پرویز قریشی تھا۔ ان کی پیدائش 9 فروری 1952 کو الہ آباد میں ہوئی، جو صوبہ اتر پردیش کا ایک تاریخی اور ثقافتی شہر ہے۔ صلاح الدین پرویز کے والد کا نام عبدالغفار اور والدہ کا نام سہرا بیگم تھا۔ ان کے والد سنگھائی نیپال کے رہنے والے تھے، جو بعد میں علی گڑھ منتقل ہو گئے۔ صلاح الدین پرویز کی ابتدائی تعلیم دہرادون، الہ آباد، بنارس، بھوپال اور علی گڑھ میں ہوئی۔ 1971 میں امریکہ سے بزنس مینجمنٹ اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا کورس بھی کیا۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے ہی بڑے بھائی کی کمپنی SISORX میں مینیجر ہو گئے۔ اردو سے ان کی محبت ہمیشہ قائم رہی۔ انہوں نے اپنے ادبی کارنامے سے دنیا ادب میں اپنی منفرد شناخت قائم کی۔ صلاح الدین پرویز کی زندگی کا سفر علی گڑھ میں تمام ہوا۔ 27 اکتوبر 2011 کو طویل عدالت کے بعد دار فانی سے کوچ کر گئے۔ صلاح الدین پرویز نے ادب میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ انہوں نے شاعری اور فکشن میں یکساں مقبولیت حاصل کی۔ ان کے کل 14 شعری مجموعے، 6 ناول ہیں، جو نئے تجربات اور جدت تخلیق کی بہترین مثال ہیں۔ صلاح الدین پرویز کے شعری مجموعوں میں ذات، نگیٹیو، جنگل، دھوپ سمندر سایہ، لو پوئمس، دھوپ سرائے، گلوریاں، خطوط، کنفیشن، سبھی رنگ کے سامن، پرماتما کے نام، آتما کے پتر، دشتے تحیرات، کتاب عشق، بنام غالب شامل ہیں۔ ان مجموعوں میں سے ایک مجموعہ سبھی ساون اپنے ہندی زبان میں شائع ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ناول میں نمرتا، سارے دن کا تھکا ہوا پرش، ایک دن بیت گیا، آئیڈینٹی کارڈ، دی وار جرنل، 1002 راتیں شامل ہیں۔ نمرتا
उर्दू के अलावा हिंदी और अंग्रेजी में भी शाया हो चुका है और दी वॉर जर्नल्स का अंग्रेजी तर्जमा भी मंजरे आम पर आ चुका है। सलाहुद्दीन परवेज ने अपने नित नए शेरी व नसरी तजर्बात के जरिए उर्दू अदब में बेशबहा इजाफा किया है। वह अपने अछूते अंदाज के सबब दिगर अदीबों से मुनफरिद और मुमताज हैं। उन्होंने अपने नावल और नज्मों में असातीरियत और देवमाला को न सिर्फ बरता बल्कि बाकायदा रिवाज देने की कोशिश की। रिसाला इस्तियारा के जरिए भी वो उर्दू शुअरा व अदबा को तरगीब दिलाते रहे कि वो अंग्रेजी, रूसी व दीगर यूरोपी जबानों के शहर से बाहर निकल आए और उस रिवायत की पासदारी करें जो तुलसी, भरत मुनि, मीरा, कबीर, रसखान, अमीर खुसरू और गालिब ने विरासत में छोड़ी है। उन्होंने खुद भी इस रिवायत को पूरी जिंदगी अपने सीने से लगाए रखा और हिंदुस्तानी तारीख के हीरोज और यहाँ के कदीम तहजीब और सकाफत को तख्लीक में शामिल करके एक बेहतरीन मिसाल कायम की है जिसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। शुक्रिया। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से थे ये जनाब मोहम्मद फैसल साहब। अब हमारे पास दो मकाला निगार हैं। मैं दावा देना चाहूँगा मोहतरमा शहला करीम साहबा को, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली से आपका ताल्लुक है। आपके मकाले का मौजू है सबाहत आसिम वास्ती का तख्लीकी बयानिया। आपसे गुजारिश है आप माइक पर तशरीफ लाएं। मेरे मकाले का उन्वान है सबाहत आसिम वास्ती का तख्लीकी बयानिया। सबाहत आसिम वास्ती उर्दू शायरी के मंजरनामे पर उभरने वाले उन चंद शौरा में से हैं जिन्हें जदीद बयानिया और फिक्रोफन के हवाले से जाना जाता है। अपने फन के नएपन का उन्हें खुद एहसास है जिसका इजहार इस तरह करते हैं। तब यकीन आएगा खुद अपने नएपन का मुझे जब मेरे वक्त का नाकिद मुझे रद्द कर देगा। सबाहत आसिम वास्ती का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर पेशावर से है। उन्होंने एक अदबी घराने में आंखें खोली और उर्दू अदब की मुमताज शख्सियात के ज़ेरे साया अपने शेरी सफ़र का आगाज किया। उन्हें इब्तदाई से उर्दू अदब के हवाले से बहुत उमदा फ़ज़ा मैसर आई। उनके वालिद शौकत वास्ती बड़ी अदबी हस्ती थे जिनका शुमार अपने दौर की अहम तरीन अदबी और अदब परवर शख्सियात में होता था। सबाहत आसिम के शेरी मजमूए किरण किरण अंधेरा में तारुफी हवाला के उनवान से लिखी गई एक तहरीर में उनके वालिद शौकत वास्ती इसी तरफ इशारा करते हुए लिखते हैं। इक्तबास शुरू। मेरे घर में शेर व शायरी का चर्चा मामूल की बात थी, बस सबाहत आसिम ने अपने बचपन ही से जिगर मुरादाबादी, हफीज जालंधरी, एहसान दानिश, अब्दुल हमीद अदम, अब्दुल अजीज फितरत, बाकी सिद्दीकी और उनके बाद की नस्ल के शौरा अहमद फराज और मोहसिन एहसान तक को बार बार देखा और सुना। इक्तबास खत्म। सबाहत आसिम ने इन कुर्बतों से भरपूर इस्तफादा किया लेकिन जहाँ तक शायरी का ताल्लुक है उन्होंने बड़ी महारत से अपना मुनफरिद अंदाज और मुकाम कायम किया। सबाहत आसिम के अब तक 5 शेरी मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं। उनका पहला शेरी मजमुआ किरण किरण अंधेरा 1989 में मंजर आम पर आया। नज़मों पर मुश्तमिल दूसरा शेरी मजमुआ आग की सलीब के नाम से 1995 में शाया हुआ। तीसरा मजमुआ तेरा एहसान गजल है के नाम से 2009 में। चौथा शेरी मजमुआ तवस्सुल 2017 में और पाँचवा और अब तक का आखिरी मजमुआ तवस्सुल के नाम से 2022 में मंजर आम पर आया। सबाहत आसिम पेशे से डॉक्टर हैं। पाकिस्तान के शहर पेशावर में पैदा हुए और ज़िंदगी का एक तवील अरसा बरतानिया में गुजारा और गुज़िश्ता चंद बरसों से अबू धाबी के एक सरकारी अस्पताल में फ़राइज़ की अंजामदही में मसरूफ़ हैं। उनके शायराना रवैये पर इन तमाम अवामिल की छाप साफ नज़र आती है और यही सबब है कि उनकी शायरी में तहजीबी रंगारंगी देखने को मिलती है। उनके मौजूआत में ताजगी और तनवु बदरजहता मौजूद है और उनके बयान में रिवायात की असली तकाजों से हमाहंगी नज़र आती है। सबीहा सबा इसी हवाले से कहती हैं कि आसिम वास्ती के मौजूआत जिंदगी से जुड़े हुए हैं। अदब और समाज का आपस में बड़ा गहरा रब्त है। अदब समाज की पैदावार होता है और समाज को मुतासर करता है। अदीब का तख्लीकी शऊर उसके समाजी माहौल और उसकी तबीयत के रुझानात की आमेजिश से तश्कील पाता है। इसी शऊर की रोशनी में वो अपने फिक्र व मुशाहिदा के मुताबिक अदब तख्लीक करता है। अपने इसी शेरी रुझान के हवाले से सबाहत आसिम बयान करते हैं। इक्तबास। शायरी में मेरे फिक्री रुझान मुरतब करने में जो अवामी कार फरमा रहे उनमें पाकिस्तान की तारीख सरे फहरिस्त है। पाकिस्तान में रुनुमा होने वाले आलमियों ने मेरे नौजवान जहन पर एक दर्दनाक और तेज भरे असरात छोड़े। सुबहानी फितरत की गिरावट और अखलाकी इकदार की पामाली को बयान करती हुई उनकी नज्म आफियत जिसको दुआई अंदाज में लिखा गया है। आफियत आफियत ऐ खुदा आफियत, मेरे चारों तरफ सांप ही सांप हैं और उनकी जबानों पे अनमाओ सांप के जहर हैं जिनको मेरे बदन में ये तहलील करने को तैयार हैं।
جھوٹ کا زہر، ہرس کا زہر، خوف کا زہر، خود پسندی، تعصب، حوث، بدگمانی، حسد، ہرس، غزو، غضب، دشمنی، نفرت و انتقام اور ایزاؤں کے زہر ہیں، مختلف زہر ہیں، مختلف سانپ ہیں، آفیت، آفیت، اے خدا، آفیت۔ صباحت آسی واسطی کی شاعری محض نظموں اور غزلوں تک ہی محدود نہیں، انہوں نے حمدیہ اور نعتیہ شاعری میں بھی بڑے عمدہ تجربے کیے۔ انہوں نے غزلیہ اسلوب کے ساتھ ساتھ نظمی انداز میں بھی حمد و نعت کہی، مگر تو ہے شہکار لکھ رہا ہوں میں، سلام، دعا، شکریہ، تشکر اور عافیت وغیرہ اسی سلسلے کی بہترین نظمیں ہیں۔ الہٰذا صباحت آسی واسطی کی شاعری میں خیالات و موضوعات کا تنوع، فطری شوریدگی و فکری بالیدگی، تفکر و تلفظ کے رنگ ڈھنگ دیکھنے کو ملتے ہیں اور انتہائی پیچیدہ خیالات بھی بڑی سادگی اور آسانی کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں، جن کا انہیں خود بھی اعتراف ہے۔ کہتے ہیں، باندھا ہر ایک خیال بڑی سادگی کے ساتھ، لیکن کوئی خیال بھی سادہ نہیں کہا۔ سلام۔ پہلا اجلاس اپنی آخری پڑاؤ پر آن پہنچا ہے۔ یہ تھیں شہلا کلیم صاحبہ، جواہر لال نہرو یونیورسٹی، نئی دہلی۔ اس اجلاس کے آخری مقالہ نگار ہیں جناب محمد شاہرخ عبیر صاحب، شعبہ اردو، دہلی یونیورسٹی سے۔ آپ کا موضوع ہے اوج فلک کا کیمیا گر احمد محفوظ۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ مائک پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ میرے مقالے کا عنوان ہے اوج فلک کا کیمیاگر احمد محفوظ۔ جب ہم 21ویں صدی کے غزلیہ منظر نامے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں لہجوں کا خاصا شور سنائی دیتا ہے، جو شکیب جلالی کے شعر کے مطابق دعویٰ کرتے ہیں، شکیب اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے، ہم اس سے بچ کے چلتے ہیں جو استہ عام ہو جائے۔ جب ان غزلیہ لہجوں کا فنی طور پر جائزہ لیا جاتا ہے تو کہیں خیالات منفرد ہوتے ہیں تو بیان میں خامیاں پائی جاتی ہیں، کہیں بیان بہتر ہوتا ہے تو خیالات کا بحران دکھائی دیتا ہے۔ ایسے شعرا خال خال ہی نظر آتے ہیں جو فنی اور فکری طور پر مستحکم ہوں۔ احمد محفوظ کا شمار 21ویں صدی کے نمائندہ غزل گو شعرا میں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم احمد محفوظ کی غزلوں پر گفتگو کا آغاز کریں، ہمیں 21ویں صدی کے اردو غزل کے حوالے سے، فن کے حوالے سے قاضی افضال کی رائے جان لینی چاہیے۔ کوٹ: معاصر غزل پر گفتگو سے پہلے یہ بات پیش نظر ہونی چاہیے کہ غزل کی رسومیات اور روایات اتنی مستحکم ہیں کہ اس سمت میں بنیادی نوعیت کی کوئی تبدیلی بہت دشوار ہے۔ غزل کی تاریخ میں اگر کہیں کوئی بدلہ ہوا محسوس ہوتا ہے تو وہ لہجے، اسلوب یا طرز اظہار کی تبدیلی ہے جو اکثر قاری کو حیرت زدہ کر دیتی ہے۔ ردیف، قافیہ اور بحر کی پابندی کے علاوہ دیگر صنفی رسومیات بھی غزل کی تاریخ میں بڑی حد تک یکساں ہی نظر آتی ہیں۔ اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ غزل کی شعریات آج بھی وہی ہے جو کلاسیکی غزل کے عہد میں تھی۔ انکوٹ: احمد محفوظ کے مجموعہ غبار حیرانی پر نظر ڈالتے ہی ہر صاحب ذوق کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے زیادہ تر متداول زمینوں میں توازمائی کی ہے، جس کا اعتراف خود احمد محفوظ نے اپنے مجموعے کے پیش لفظ میں بھی کیا ہے۔ انہوں نے نہ صرف زمینوں سے استفادہ کیا ہے بلکہ مضامین کی سطح پر بھی نئی جہت یا نئے طریقے سے خیال کو برتنے کی کوشش کی ہے۔ اس عمل کو شعر اصطلاح میں مضمون آفرینی بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر چند اشعار ملاحظہ کیجیے۔ میر کا شعر ہے: ہم نہ کہتے تھے کہ نقش اس کا نہیں نقاش سہل، چاند سارا لگ گیا تب نیم رخ صورت ہوئی۔ لگ گئے رخ، احمد محفوظ کا شعر ہے: لگ گئے رنگے ہنر سب ایک ہی تصویر میں، پھر کوئی صورت نہ نکلی نقش ثانی کے لیے۔ یہ ہوا چاہتی ہے، ایک دیوار تھی سو وہ بھی گرا چاہتی ہے۔ اس شعر کو روانی کے ساتھ پڑھ جائیے جیسے آپ یہ شعر خود ادا کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا اندازہ آسانی ہو جائے گا۔ پہلا شعر دیکھیے، اس شعر کو دیکھیے: بحر رمل مخبون محضوب، یعنی فائلاتن فیلاتن فیلاتن فیلن کے آنگ پر کہا گیا ہے۔ جب ہم اس شعر کی قرأت کریں گے تو پہلے مصرع میں روانی میں مجھ سے کیا اور کے بعد اواخر بظاہر لکھنے میں الگ الگ نظر آتا ہے، لیکن پڑھتے وقت روانی میں اواخر یعنی ایک فیلاتن وطت اور سبب کا تلفظ ادا ہوگا، الف کی آواز ضم ہو جائے گی اور الگ الگ ادا کرنے میں یہ شعر آہنگ سے خارج ہو جائے گا۔ آگے محمد محفوظ کی غزلوں میں پیکر اور علامتوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس وقت کی قلت کے سبب میں اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں۔ شکریہ شاہ رخ۔
غالب انسٹیٹیوٹ نئی دہلی کے ریسرچ اسکالر سیمینار کے پہلے اجلاس میں اس طرح سے کل 6 مقالے پیش کیے گئے۔ یوں پروگرام ترتیب دینے والی ٹیم نے ہمیں شش جہاد کی سیر کرا دی۔ میں ایک بار پھر اپنے سبھی سامعین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس اجلاس کے لیے وقت نکالا اور ہمارے مقالہ نگاران کو سنا، اور مقالہ نگاران کا بھی شکریہ کہ آپ نے وقت کا پاس رکھا۔ ہم ویسے بھی 22 منٹ لیٹ تھے لیکن آپ نے وقت کا پاس رکھا، اس کے لیے آپ سبھی کا شکریہ۔ اب وقت ہے اس اجلاس کی صدارت کر رہے پروفیسر مشتاق عالم قادری کو مدعو کرنے کا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ آپ کا تحقیقی اور تنقیدی سفر جموں کشمیر سے شروع ہو کر دہلی یونیورسٹی تک آن پہنچا۔ آپ ایک بہترین استاذ ہیں، صلاحیت سازی کے لیے بنیادی طور پر آپ کو جانا جاتا ہے۔ سر میں نے بہت کچھ لکھا رکھا تھا لیکن بہت شکریہ۔ آپ عظیم صاحب دیکھ رہے ہیں پیچھے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سامنے ہمارے بزرگ صحافی معصوم مراد آبادی صاحب اور اس ادارے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ادریس احمد صاحب۔ ندیم صاحب پیچھے چلے گئے ہیں۔ ہمارا جو دوسرا اجلاس ہے اس کی صدارت کے لیے وہ ابھی تشریف لائیں گے، اور میرے جو ہم سفر مقالہ نگار حضرات آپ کے سامنے مقالات پیش کر رہے تھے، سامنے ہمارے ہندوستان کی مختلف جامعات کے طلباء و طالبات جو دور دراز کا سفر کر کے یہاں آئے، آپ سب کو ادارے نے خوش آمدید کہہ دیا ہے۔ اور یہ سفر جو ادبی سفر ہے اس کی شروعات بھی ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایوان غالب اور یہ جو ہمارا حکومت ہند کا ایک ثقافتی سلسلہ ہے اس کے تحت، اس کے تعاون سے یہ سہ روزہ جو سیمینار ہے وہ منعقد ہوا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اور آپ ادب کے طالب علم ہیں، ہمارا اوڑھنا بچھونا ادب ہی ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ ادب میں بھی جن موضوعات پر ہم لوگ کام کرتے ہیں ان موضوعات کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہم ان پر کیوں لکھ رہے ہیں، اور جن موضوعات پر ہم اظہار خیال کرنے جا رہے ہیں ان کی اصلی معنویت کیا ہے۔ ان سارے موضوعات کو آپ نے موجودہ دور کے ساتھ کیسے ریلیونس کرنا ہے، کیسے اس کو آپ نے لانا ہے، اور تاکہ ایک عام آدمی جو ہے، عام قاری جو ہے، وہ آپ کی بات کو سن سکے، آپ کی بات کو سمجھ سکے، اور اس کا رشتہ بھی جو ہے وہ ادب سے جڑ سکے۔ زبانوں کا حال آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں کیا ہو گیا ہے، ہم لوگ خود زبانوں کے تئیں اتنا نہیں سوچتے جتنا ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ ایوان غالب جہاں دیگر موضوعات کی طرف سب کی توجہ دلاتا ہے، وہاں ریسرچ اسکالر کو بھی بلاتا ہے، ڈرامے کے اعتبار سے بھی کام اور ثقافت کے اعتبار سے بھی ان کے اجلاس ہوتے ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، ملک کی بڑی جامعات کے ساتھ اشتراک کر کے بھی پروگرام کرواتے ہیں، اور آپ سب کو، ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک جلسے کو قائم کرنے میں کتنی دقتیں آتی ہیں، اور ہم لوگ ان کے ممنون ہیں کہ جس طرح سے ڈاکٹر ادریس احمد صاحب اور ان کے احباب نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا، ہم لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا، وہ بھی ایک ادبی نظریہ ہے۔ آپ کو بار بار ہمارے سامنے بیٹھے ہیں ایک نوجوان، آپ کو فون کیا جاتا ہے، آپ کو میسج کیا جاتا ہے، آپ تشریف لائیں گے، آپ کے موضوعات کیا ہیں، تو یہاں ہی سے ہم لوگوں کی ایک تربیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ جو ایک ذہن میں اور دماغ کے اندر ایک سلسلہ چلتا ہے کہ ہم آنے والی اپنی
ये जो मौजूदा नस्ल है इसकी तरबियत कैसे करें, और आप लोगों को यहां दावत देना और इस स्टेज के ऊपर जहां हमारे मासूम मुरादाबादी साहब जैसे और जामिया के और दीगर यूनिवर्सिटी के जो असातिज़ा हैं उनके सामने आप खड़े होकर के अपना शीन काफ दुरुस्त करते हैं, अपने मौजूआत के हवाले से बात करते हैं, यहां से आपको एक ताकत मिलती है, यहां से आपको एक हौसला मिलता है, यहां से आपको एक तहरीक मिलती है, जिस तहरीक को आप अपने अपनी आने वाली जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं भी आप जाएंगे, किसी मौजू पर भी बात करेंगे, किसी हवाले से भी अदब के हवाले से बात करेंगे, तो आपके अंदर जो झिझक है, जो एक फ्रस्ट्रेशन होती है, वो फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर नहीं रहेगी, जो ऐसा से कमतर ही रहता है। और हमारे तलबा जिन हजरात ने आज जिन मकाला निगारान हजरात ने आज अपने मकालात पेश किए हैं, जो आइंदा आने वाले इजलास में अपने मकालात पेश करेंगे, आपने देखा कि हमारी तीनों जामियात के अलावा हैदराबाद से, कश्मीर से और जगहों से भी तलबा आए हैं। इब्तदा जो इसकी शुरुआत हुई तसव्वुफ के हवाले से हुई, तो यह भी मैं समझता हूँ एक बाइस बरकत है कि जिस महफिल का आगाज बुजुर्गों के नाम से हो, बुजुर्गों की तहरीरों के नाम से हो, बुजुर्गों के लिखे हुए अकवाल और अमसाल के हवाले से हो, तो वो कामयाबी का एक बाइस जरूर बनती हैं वो तहरीरें, और वो तहरीरें देर तक और दूर तक याद रखी जाती हैं। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से आज हमारे ये अदबा उदबा और हमारे ये सहाफी हजरात जो हैं अदब की खिदमत कर रहे हैं, हम लोगों को इन्हें भी पढ़ना चाहिए। मैं मासूम साहब को सोशल मीडिया के हवाले से ज़रूर पढ़ता हूँ, जिस तरीके से वो अपने सफ़रनामे लिखते हैं उर्दू के हवाले से, मिल्लत के और जितने भी दर्दमंद ख्यालात हैं उनको सामने लाते हैं। और अभी मुझे लगता है कल एक दो दिन पहले ही उन्होंने जो उर्दू के जो हमारे एक शहीद सहाफ़ी के ऊपर मौलवी बाकर साहब के ऊपर इन्होंने एनसीपीएल में एक खुतबा दिया, वो भी काबिले रश्क है, काबिले सद आफरी हैं हम सब लोगों के लिए। ऐसे जलसों में और ऐसे मौजूआत के लिए आप लोगों को अपने बुजुर्गों से हमा वक्त जो है उनका उनके साथ और उनके ख्यालात को सुनते रहना चाहिए। मैं ये तमाम जो मकाला निगारान हजरात हैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वक्त की कमी हमेशा दामगीर रहती है, लेकिन उस वक्त के पैरामीटर्स के अंदर रह करके जिस तरीके से इन हजरात ने अपने मौजूआत पर बात की, वो ये सब उसके लिए जो है वो काबिले मुबारकबाद हैं। और इदारा ऐवाने गालिब और इसके तमाम अहबाब जो हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि ऐसे कम वक्त में भी हमारे तलबा जो हमारे आने वाले मुस्तकबिल के जामिन हैं वो इस तरीके से बात करते हैं, वो अपने ख्यालात को ऐसे जो है वो सामने रखते हैं, ये एक बड़ी बात है। तो हजरत आपको मालूम है कि अदब का जो मामला है तहकीक के एतबार से वो समाजी उलूम से ज़रा मुख्तलिफ है, साइंसी उलूम से ज़रा मुख्तलिफ होता है। वो मौजूआत ये अदब के जो मौजूआत हैं ये ज़रा दिक्कत तरह मसाइल की तरफ आपका रुझान जो है वो करते हैं, और आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई भी तहकीकी काम हम लोग करते हैं, आप लोग करते हैं, वो बड़ा सबर आजमा होता है, उसमें सबर से काम लेना पड़ता है। जब कहीं जा करके कोई नतीजा अहज होता है, और जाहिर है कि ये जो नए मौजूआत आज हम सब लोगों ने जो किताबों के हवाले से एक तारुफ पेश किया गया, या सलाहुद्दीन साहब के हवाले से जो बात की गई, या और जितने मौजूआत हैं हमारे हुसैनुल हक साहब जो हैं, जाहिर है कि हम लोग खुश नसीब हैं कि हमने उनको देखा है, और आप सब में सब लोगों ने भी उनको देखा होगा कैसे फनकार थे, कैसे फिक्शन निगार थे, एक आम आदमी को किस तरीके से अदब के साथ जो है वो जोड़ते थे, एक आम आदमी को किस तरीके से वो फिक्शन का मौजू बनाते थे, ये उनका कमाल था। और इतनी बड़ी बात यह कि हमारे किसी अदीब को, उर्दू के अदीब को साहित्य अकेडमी का अवार्ड भी मिला हो, ये हमारे लिए काबिले मुबारकबाद है। और ये उनकी मेहनत और उनके फन का कमाल है कि उन साहित्य एकेडमी को मजबूर किया कि उनके फन के ऊपर उनको अवार्ड दिया जाए। ये अवार्ड उनको नहीं था बल्कि साहित्य एकेडमी को खुद अवार्ड था, जो है उसे हुसैनुल हक साहब को दिया गया। फैसल साहब जो है हैदराबाद से आते हैं
और जम्मू कश्मीर से इनका ताल्लुक है, बड़े अच्छे अंदाज से उनके अफसानों पर या उनके उनकी तहरीरों के ऊपर जो है बड़े ठहर ठहर करके उन्होंने गुफ्तगू की। यही अमल जो है हम सबको जारी रखना है, यहाँ खड़े कैसा होना कैसे होना है, हमारा तर्ज तकल्लुम कैसा होना चाहिए, हमारी अंदाजे पेशकश कैसी होनी चाहिए, हम इन बुजुर्गों के सामने कैसा कैसे जानो यादव तय करें, इन सब चीजों के लिए इस इदारे ने आपके लिए ये एहतमाम किया है। मैं इदारे का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इदारे ने मुझ जैसे कम इल्म को इस बड़ी कुर्सी के ऊपर बिठाया, और ये इनका हुस्ने ज़न है, वगरना हमारे मनानम के मंदानम वाली बात है। और दुआ है कि इदारा ऐसे ही तरक्की करता रहे, और जिस तरह से ये मुल्क के वो अफराद जो कभी यहाँ नहीं आए या जिनको कभी मौका नहीं मिला, ये काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्हीं लोगों को बार बार या उन्हीं हमारे हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग असातिज़ा या जो हमारे बुजुर्ग अदबा हैं वो यहाँ ना आए, वो यहाँ हों, उनकी सरपरस्ती हमें हासिल हो, लेकिन उनकी सरपरस्ती में ऐसे अफराद को भी मौका दिया जाना चाहिए जो कभी यहाँ नहीं आए और जिन्होंने कभी यहाँ पर आकर के अपनी बातों को नहीं रखा या अदब के तकाजों के अदब के मौजूआत के ऊपर अपनी बात नहीं रखी है। हम लोग जो हैं वो अपने मुकद्दर के ऊपर या अपने नसीबों के ऊपर रश करते हैं कि हम भी जो ऐवाने गालिब का एक हिस्सा बने, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है वो जारी और सारी रहेगा। इन्हीं अल्फाज के साथ एक बार फिर ऐवान गालिब के अरबाब हल व अक्त का मैं दिल की अमीक गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ऐसे इजलास का एहतमाम किया और हमें भी इसका एक हिस्सा बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं आपके और चाय के बीच में हायल नहीं होना चाहता, लेकिन बुनियादी तौर पर चूंकि शुक्रिया की रस्म है तो मैं जाती तौर पर ऐवान गालिब के डायरेक्टर डॉक्टर इदरीस अहमद, अपने मुरब्बे और मोहसिन डॉक्टर महजर रजा साहब और जुमला तमाम स्टाफ का, खास तौर से टेक्नीशियन की माइक हमारा खराब नहीं हुआ, हमारे फोटोग्राफर उनका, वीडियोग्राफर उनका, और आप सभी साहिबान का शुक्रगुजार कि आप यहाँ तशरीफ लाए और सुकून से और दिलजमी के साथ आपने पहले इजलास के मकाला निगारान को सुना। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। चाय आपके इंतजार में है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं जावेद अली हूँ। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मास्टर्स ऑफ आर्ट्स पर्शियन में सेकंड ईयर में पढ़ रहा हूँ अभी, और मैं गालिब इंस्टीट्यूट में इसलिए आया हूँ कि यहाँ पर स्कॉलर्स ही आते हैं, लेकिन मुझे पार्टिसिपेशन के लिए मेरी HOD और चेयरपर्सन मैडम राना खुर्शीद जी ने स्पेशल भेजा था कि आप ग्रेजुएशन में होकर के भी यहाँ पर आकर के एक्सपीरियंस करें, और मुझे रिसर्च स्कॉलर्स और बड़े बड़े जो लोग हैं उनसे मिलने का मौका जो मिला है वो बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पर मैंने जो सुना है अब तक कल और आज में, ये मेरा ज़िंदगी का एक स्पेशल मोमेंट है। और पर आप पूरे हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान से बाहर से जो उर्दू और अदब पर काम किया जा रहा है उसके बारे में आपको यहाँ पर एक छत के नीचे सब कुछ देखने के लिए मिल सकता है, अगर मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस है। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि मैं गालिब इंस्टीट्यूट में अभी सिर्फ मास्टर्स में होकर के आया हूँ यहाँ, और मैं इंशाल्लाह यहाँ पर स्कॉलर्स के रूप में भी आऊँगा एक दिन, और मैं ऐसा यकीन रखता हूँ। हाजिरीन इजलास, अस्सलाम वालेकुम। गालिब इंस्टीट्यूट तहरी और वजारत सकाफत हुकूमत हिंद के ज़ेर एहतमाम सहरोज़ा बैनुल अक़वामी रिसर्च स्कॉलर्स गालिब सेमिनार के दूसरे रोज़ के दूसरे इजलास में आप तमाम का खैर मकदम है। इस इजलास में कुल 6 मकाले पढ़े जाएंगे। आज के इस इजलास की सदारत मुश्तरक तौर पर फरमा रहे हैं जनाब मासूम मुरादाबादी साहब और उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर नदीम अहमद साहब। मैं सुदूर साहिबान की खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि वो कुर्सी सदारत पर तशरीफ ले आएं। अब मैं तमाम मकाला निगार हजरात से दरख्वास्त गुजारूँ कि वो भी
स्टेज पर तशरीफ ले आए जनाब मोहम्मद नईम रजा साहब, जनाब फैजानुर रहमान साहब, जनाब मोहम्मद वसीम हुसैन भट्ट साहब, मोहतरमा राहिरा तबस्सुम साहिबा, जनाब राम उग्र साहब और मोहतरमा नूर अफशा साहिबा। इस इजलास के पहले मकाला निगार को दावत देने से कबल ये बताना ज़रूरी है कि हर मकाला निगार के लिए इदारे की तरफ से 7 से 10 मिनट का वक्त तय किया गया है। तमाम मकाला निगार हजरात से दरख्वास्त है कि वो मकाला पेश करने से कबल 2 से 3 जुमलों में अपना तारुफ पेश करें, अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, PhD का मौजू और अपने मकाले का उनवान जो यहाँ पर पेश कर रहे हैं। अब मैं दावा देता हूँ पहले मकाला निगार जनाब मोहम्मद नईम रजा को कि वो आए और अपना मकाला पेश करें। जनाब मोहम्मद नईम रजा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर मोहतरम की इजाज़त, मेरा नाम मोहम्मद नईम रजा है, मैं तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से रिसर्च कर रहा हूँ और मेरा मकाले का उनवान है अख्तर और एनवी की हयात और अदबी खिदमात। वसअत व जामियत और अहमियत व मानवियत के लिहाज से मकाले को मजमून पर बहरहाल अव्वलियत और फौकियत हासिल है। मकाला खा जिस नौईयत या उनवान का हो, मजमून के मुकाबले में तहकीक व तफहस का अंसर उसमें ज़्यादा शामिल होता है। यही वजह है कि मकाला तहकीकी नौईयत और अपनी अहमियत व इफादियत के लिहाज से काफ़ी अहम और कारईन के लिए ख़ास तवज्जो का बाइस हुआ करता है। और जहाँ तक रिसर्च स्कॉलर्स के PhD मकाले की अहमियत व मानवियत की बात है तो उसकी बात ही जुदा है। इल्म व अदब की तारीख में PhD के मकालों ने तहकीक व तनकीद की दुशवार गुजार राहों को हमवार करने और ज़बान व अदब के नित नए मख्फी गोशों को सामने लाने में अहम किरदार अदा किया है। रिसर्च स्कॉलर्स के ज़रिए लिखे गए PhD मकालाजात की हैसियत बिलुमूम तहकीकी व तनकीदी हुआ करती है, क्योंकि उनके मकालों में तहकीक के साथ तनकीद का अंसर भी शामिल होता है। इन मुख्तसर तमहीदी कलमात के बाद अब हम अपनी मौजू पर आते हैं और अख्तर और एनवी की इल्मी और अदबी और तहकीकी व तनकीदी खिदमात पर नहायत इख्तिसार के साथ रोशनी डालते हैं। राकिमुल हुरूफ के PhD मकाले का उनवान है, अशखास रोज़ जन्म लेते हैं और अपना मुकर्रा वक्त पूरा करके दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, लेकिन ऐसे अशखास खाल खाल नज़र आते हैं और बहुत कम वजूद में आते हैं जिनके सरों पर अजीम शख्सियत का ताज सजाया जा सके, उन्हें सही मानों में अजीमुल मर्तबत कहा जा सके। इल्म व अदब, दानिश व हिकमत, इखलास व अखलाक, जौहर ज़ाती, इसार व क़ुरबानी, अमल पहम, जहद मुसलसल, ये वो औसाफ़ हैं जिनसे आरास्ता हुए बगैर कोई भी शख्स अजीम शख्सियत के मकाम व मनसब पर फायज नहीं हो सकता। शख्सियत न ज़ाहरी हुस्न व जमाल का नाम है, न पुरकशिश खद व खाल का नाम है। इंसान की वो खूबियाँ जो उसके आमाल व अफकार, अखलाक व किरदार, उनकी हमाजहत दीनी व मिली और इल्मी व अदबी खिदमात से ज़ाहिर हों, दरअसल वही शख्सियत की दिलावेज पहलू हैं। 20वीं सदी ईस्वी के निसफ आखिर से ताल्लुक़ रखने वाली सूबे बिहार के जिन बाकमाल अफराद ने उर्दू के इल्मी व अदबी, तालीमी व तदरीसी, तहकीकी व तनकीदी, फिक्री व लिसानी व सकाफती व तहजीबी मंजरनामे पर अनेक नकुश यादगार छोड़े हैं, जिनके इल्मी व तहकीकी सलाहियतों और अदबी व कलमी खिदमात ने उर्दू अदब पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। कलीमुद्दीन अहमद आज़ादी के बाद 30 बरस तक और अख्तर और एनवी कमोबेश 25 बरस तक लिखते रहे और उर्दू तनकीद के जखीरे को बासरवत बनाते रहे। खालिक़े लोहो कलम ने अख्तर औरंगी को किरदासो कलम की दौलत के साथ बेपनाह तहकीकी शऊर और काबिले रश्क तनकीदी बसीरत से नवाजा था। वो एक बुलंद पाया अदीब, खुश फिक्र शायर, अच्छे उस्ताद, मुअल्लिम, कामयाब अफसाना नवीस, ड्रामा निगार के साथ एक काबिले मुहक्किक़,
قدر محقق و ناقد تھے، ان کے تحقیقی مضامین اور تنقیدی افکار و نظریات اردو کے ادبی ذخیرے میں ایک خوشگوار اضافے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ موصوف کی تنقیدی افکار کے مستقل عنوان ہے جس پر مختلف زاویے سے روشنی ڈالی جا سکتی ہے، اور ان کی تنقیدی خیالات پر مستقل کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ تفصیلات سے گریز کرتے ہوئے یہاں سر دست اختر اورنگی کی ناقدانہ حیثیت، ان کی تنقیدی شعور اور ان کی تنقیدی تصورات پر گفتگو کی جاتی ہے۔ اختر اورنگی کی ناقدانہ حیثیت، ان کی تنقیدی افکار پر سیر حاصل گفت و شنید سے قبل یہ بتا دینا ضروری ہے کہ فن تنقید پر ان کی نصف درجن کتابیں کمیت و کیفیت کے لحاظ سے قابل قدر معلومات افزا اور ادبی تنقید کے باب میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، جیسے مطالعہ اقبال، مطالعہ نظیر، قدر و نظر، سراج و منہار، مطالعہ و محاسبہ، تنقید جدید اور تحقیق و تنقید کا مطالعہ کرنے کے بعد اختر اورنگی کی تنقیدی بصیرت اور تحقیق کی شان کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ ان کتابوں کو فن تحقیق و تنقید کے باب میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ اختر اورنگی نے ان کتب میں مختلف، السلام علیکم، بہت بہت شکریہ جناب محمد نعیم رضا صاحب، آپ نے آپ کا مقالہ 10:30 منٹ میں مکمل کیا۔ اب اس اجلاس کے دوسرے مقالہ نگار جناب فیضان الرحمان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں، وقت کا خاص خیال رکھیں۔ جی السلام علیکم، میرے مقالہ کا عنوان ہے شوکت حیات کے افسانوں میں سیاسی و سماجی شعور۔ شوکت حیات کا شمار ان افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے مخصوص طرز فکر تکیے اسلوب کے باعث جلدی افسانہ نگاروں کے ہجوم میں انفرادی قائم کر لی۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ افسانہ پڑھنے، لکھنے اور اس کے بارے میں سوچنے میں صرف کیا۔ وہ بات کرنے اور کہانی سنانے کا ہنر جانتے ہیں، وہ گرد و پیش کے حالات و واقعات پر گہری نظر رکھتے ہیں اور سیاسی و سماجی شعور کو اپنے افسانوں کا حصہ بناتے ہیں۔ 1970 کے بعد اردو افسانے میں جو نثر سامنے آئی اس میں شوکت حیات نے اپنی ایک الگ شناخت قائم کی۔ وہ ترقی پسند دور بھی دیکھ چکے تھے اور جدید افسانہ نگاروں کا جو طرز عمل رہا اس سے بھی واقف تھے، اس لیے انہوں نے ایک نئے رجحان کی داغ بیل ڈالی جس کا نام انہوں نے انامیت رکھا۔ اس رجحان کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے افسانے لکھے اور اس سلسلے میں وہ لکھتے ہیں، کوٹ: میں چونکہ سائنس کا آدمی تھا اور اپنے ڈھنگ سے افسانے لکھ رہا تھا، سوچنے، سمجھنے، برتنے کا تمام میرا افسانوی نظام فکر، لہجہ، تیور، رویہ، تکنیک، ٹریٹمنٹ اور اندیہ اپنا تھا۔ ہمیں کیا لکھنا چاہیے یہ اسداد اور بزرگوں سے سیکھا تھا، ان کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے، لیکن ہمیں کیا لکھنا ہے یہ اپنے آپ سے، اپنے عہد، اپنے مشاہدے اور تجربے سے سیکھا۔ میں نے خود کو اور اپنے دوستوں کو ترقی پسندی اور جدیدیت سے مختلف اور نیا سمجھتے ہوئے اس بات پر اصرار کیا کہ ہمیں برانڈ نہ کیا جائے، اور ہم نے خود کو انامیت پسند اور بے نام نسل کے افسانہ نگار کہنا شروع کر دیا تاکہ ہماری اپنی علیحدہ شناخت قائم ہو، انکول۔ شوکت حیات نے جو رجحان سامنے لایا اس پر تو وہ خود چلے، لیکن نہ ہی ان کے نسل کے افسانہ نگاروں نے، انا باد کے افسانہ نگاروں نے اسے قبول کیا۔ اس طرح یہ رجحان ان کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ جناب فیضان الرحمان صاحب۔ تو اب میں تیسرے مقالہ نگار جناب محمد وسیم حسین بٹ صاحب کی خدمت میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ اپنا مقالہ شروع کرنے سے پہلے میں ایک منٹ کے لیے مطلب کچھ کہنے کی جسارت کروں گا، کیونکہ یہ میرے لیے کشمیر سے یو پی کا سفر بہت کس طرح سے، کس کٹھنائیوں سے میں نے سامنا کیا ہے، لیکن آج پہلی بار میں اردو پڑھنے کے لیے کسی جگہ پہ کھڑا ہو رہا ہوں کہ اردو میں ایک مقالہ پیش کروں، اور یہ سب سے بڑی ہوگی دانش انسٹیٹیوٹ نے ہمارے لیے موقع فراہم کیا کہ ہم جیسے اپنا طالبین کے لیے جو مطلب اے سی میں بھی جن کو پسینہ اتر آئے ایسے بچے کے لیے موقع فراہم کیا یہاں پہ، کیونکہ ہم یہاں سے پڑھ کر ہی آگے بڑھ سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے فرسٹ اسٹیپ ہے۔ تو اس کے بعد کیونکہ یہاں ہمارا عنوان جو تھا پی ایچ ڈی مقالے کے حوالے سے معنویت اور اہمیت، سب سے پہلے میں اپنے مقالے کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ ہمارے عہد کی عظیم الشان شخصیتوں میں ایک نام شارق درانی صاحب کا ہے جنہوں نے تنقید کے میدان میں اپنی تصانیف سے دیر پا اثرات قائم کیے ہیں۔ اردو کی جدید تنقید کا ذکر شارق درانی کے تنقیدی کارناموں کے بنا مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کا شمار عصر حاضر کے نابغہ روزگار قلمکاروں میں ہوتا ہے، وسیع القلب، ملنسار، خوش گفتار، خوبرو، صبر و تحمل کے پیکر،
اور دلاویز اور خوشنما شخصیت کے مالک شاعر ردولوی اردو میں نقاد کی حیثیت سے مشہور ہے, مگر میں اپنے مقالے میں ان پر دیگر ادبی حیثیتوں سے بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں. اردو نقد و تحقیق میں ان کی خدمات نمایاں تو ہے ہی, مگر اس کے علاوہ وہ ایک صاحب طرز ادیب, شاعر, سوانح نگار اور تبصرہ نگار بھی تھے. سید مسیب عباس شاعر ردولوی کی ولادت 13 مارچ 1932 کو محلہ عباسی قصبہ ردولوی ضلع بارہ میں کی یوپی میں ہوئے اور ان کا پرملال انتقال ڈینگو کی موذی مرض کی وجہ سے 18 اکتوبر 2023 کو لکھنؤ کے اپولو ہاسپٹل میں ہوا. شاعر ردولوی کے والد کا نام حکیم مسیب عباس اور ان کے دادا کا نام حکیم غلام حسنین تھا, جن کا شمار قصبہ ردولوی کے مشہور و معظم علماء و اطباء میں ہوتا تھا. انہوں نے جس زمیندار ادبی گھرانے میں ہوش سنبھالا اس میں پہلے سے ہی مذہبی و ادبی ماحول موجود تھا, جو کتب بینی کے شوق کو پروان چڑھنے میں معاون ثابت ہوا. پروفیسر شاعر ردولوی کی ابتدائی تعلیم قصبہ ردولوی اور اسکولی تعلیم کانپور سے مکمل ہوئی. اس کے بعد شمالی ہند کی مایاناز لکھنؤ یونیورسٹی سے بی اے اور ایم اے کی تعلیم کی تکمیل کے بعد 1965 میں پروفیسر سید احتشام حسین کے زیر سایہ جدید اردو تنقید اصول و نظریات کے عنوان پر عظیم الشان مقالہ لکھ کر پی ایچ ڈی کی ڈگری سے سرفراز ہوئے. کیونکہ اہمیت کے حوالے سے, معنویت کے حوالے سے جو ہے, میں اپنے مقالے کے معنویت کے جو معنویت ہے اس کے حوالے سے, اس سے قبل اس موضوع پر کس نوعیت کا کام ہوا ہے, میرے مقالے کے جو موضوع سے متعلق ابھی تک جو کام ہوا ہے وہ جو ہے وہ مدر ذیل ہے. شاعر ردولوی شخصیت و تنقید نگار, شاعر ردولوی ادبی سفر کے 50 سال, شاعر ردولوی کی تنقیدی حیات, شاعر ردولوی اور اردو مرثیہ, انیس اور انیس شناس مرثیہ ڈاکٹر حسن مصنع, نظر شارف. شاعر ردولوی پر ہوئے کاموں کی اس فہرست سے آپ حاضرین کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ زیادہ تر تحقیق کام شاعر ردولوی کے تنقیدی تخلیقات پر ہوئے ہیں. شارف صاحب کے دیگر نثری کارنامے اور ان کے شاعری ہنوز تشنا توجہ ہے اس میدان میں. اس زاویے سے مجھے ریسرچ گیپ نظر آیا اور میں اس کو پر کرنے کی صحیح کروں گا. نیز ان پر تحقیق کے تشنا گوشوں کو پر کرتے ہوئے سابقہ کاموں سے منفرد کام پیش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی. شکریہ. شاعر ردولوی شخصیت اور ادبی خدمات پر اپنا مقالہ پیش کر رہے ہیں جناب محمد وسیم حسین پٹ صاحب. اب آج کے چوتھے مقالہ نگار محترمہ راحلہ تبسم کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں. میں راحلہ تبسم, ریسرچ سکالر, شعبہ فارسی, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. میرا تعلق جموں و کشمیر سے. میرے پی ایچ ڈی کے مقالے کا عنوان ہے عہد جہانگیر کے معروف و ممتاز مصنف, اور میرے آج کے مقالے کا عنوان ہے عہد جہانگیر میں تصنیف شدہ چند تاریخی کتابوں کا مختصر جائزہ. عہد جہانگیر علمی و ادبی اعتبار سے کافی مالا مال اور غنی نظر آتا ہے. اس عہد میں اکثر و بیشتر علماء, ادبا, مورخین اور شعرا فارسی زبان و ادب کی ترقی و پیش رفت کے لیے ہمیتاً محو و مصروف رہے. اس عہد کا سب سے بڑا اور اہم شاہکار خود حکمران وقت بادشاہ نور الدین جہانگیر کی خود نویس صدقے جہانگیری ہے, جسے دنیا ادب میں ایک جدا گانا مقام حاصل ہے. بادشاہ اکبر کی طرح جہانگیر بادشاہ نے بھی مورخ درباری کا منصب قائم کیا اور محمد شریف معتمد خان کو ایک عہدہ پر فائز کیا. جہانگیر خود صاحب سیف و قلم, شاعر اور نقاش تھا, جیسا کہ قبلاً تحریر کیا گیا ہے. عہد جہانگیر قائم کارنامہ اس کی تزک ہے, جو اس کی علم و ادب پروری اور تاریخ نگاری سے دلچسپی اور اکبر کا ثبوت معلوم ہوتی ہے. اس عہد حکومت میں ایران و ہند کے ادبا و مورخین کی کثیر تعداد دربار سے وابستہ ہو گئی, جنہوں نے اپنے کمال فن سے فارسی نثر اور تاریخ نویسی کو عوج کمال تک پہنچایا. اس عہد میں معتمد خان اقبال نامہ جہانگیری, خواجہ طاہر سبزواری نے روضۃ الطاہرین, خاکی شیرازی نے منتخب التواری, نعمت اللہ عربی نے تاریخ خان جہانی و مخزن افغانی, عبدالباقی نہاوندی نے معاصر رحیمی, غائبی اصفہانی نے بہارستانی غائبی, امین بلخی نے انفاء الاخبار, اسکندر گجراتی نے میرات اسکندری, احمد خان کمبو نے معدن اخبار جہانگیری, ولی سرہندی نے تاریخ جہان شاہی, حیدر مری چاڈورا نے تاریخ کشمیر, اسد بیگ قزوینی نے حالات اسد بیگ, اور باقی مصنفین نے مختلف تصانیف تحریر کی, جن کے مطالعہ سے اس عہد کی تاریخی قدر و قیمت کے ساتھ ساتھ طرز انشاء کا بھی اندازہ ہوتا ہے.
یہ اس اجلاس کا چوتھا مقالہ تھا. اب پانچواں مقالہ جناب رام اوگرے صاحب پیش کریں گے. میں ان کی خدمت میں گزارش گزاروں کہ وہ آئیں اور انہوں نے مقالہ پیش کریں. ڈائس پر تصویر فرما اساتذہ اکرام اور حاضرین مجلس, آپ سبھی کی خدمت میں میرا خلوص آداب و سلام. میرے مقالے کا عنوان ہے اردو افسانوں میں دلت مسائل کی عکاسی. میرا نام رام اگرا ہے, میں گورکھپور یونیورسٹی سے آیا ہوں, گورکھپور یونیورسٹی گورکھپور سے آیا ہوں, اور صدر جلسہ کی اجازت سے میں اپنے مقالے کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. پسماندہ طبقات اور نچلی جات کے لوگوں کو ہندوستانی معاشرے میں ہر دور میں حقارت کی نظر سے دیکھا گیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی صدیوں زمود کا شکار رہی ہے. اس طبقہ نے مجبوری کی صورت میں سماج کے ہر گندے کام کیا اور خود غلاظت کا حصہ بن گئے. ان لوگوں کا ماضی بہت ہی تلخ اور قابل رحم ہے. تاریخ میں ان کے لیے سوائے نفرت اور ذلت کے کچھ بھی نہیں ہے. اچھوت اور نچلی جات کے لوگوں کو تاریخ میں کئی نام دیے گئے, مثلا ہرجن خدا کے بچے, لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا کیونکہ اس لفظ کے پس پردہ اعلیٰ ذات کے رحم کا جذبہ کار فرما ہے. اس لفظ سے ان پر ہونے والے مظالم, ناانصافی, غیر مساویانہ سلوک, دکھ درد, اذیت اور قرب کا اظہار نہیں ہوتا. ڈاکٹر امبیڈکر نے دلتوں کو بیدار کرنے میں بہت ہی اہم رول ادا کیا ہے. اس لیے انہوں نے ڈاکٹر امبیڈکر کے دیے ہوئے نام دلت کو قبول کیا کیونکہ اس نام میں ان کے صدیوں کا استحصال پوشیدہ ہے. وہ اس استحصال سے سیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے احتجاج اور مزاحمت کے ذریعے اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دلت بطور اصطلاح ظلم و استحصال کا استعارہ بن چکا ہے. دلتوں کو بیدار کرنے, ان کا جمود توڑنے, ان کو سماج کے مین اسٹریم میں لانے اور ان کے حقوق کی بازیابی کے لیے دلت کے اہم رہنما مہاتما جوتیبا پھولے اور ڈاکٹر امبیڈکر کی زد و زہد نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے. اردو افسانوں میں دلت مسائل پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ دلت ادب کیا ہے. ہندوستان میں دلت ادب کا آغاز پہلے کس زبان میں ہوا اور اردو میں دلت ادب کی بنیاد کس نے ڈالی, ان بنیادوں کو استوار کرنے میں کن ادیبوں کا اہم کردار رہا ہے. دلت ادب کے متعلق ناقدین ادب کے درمیان اختلاف رائے موجود ہے, لیکن اس بات سے بھی متفق ہے کہ جس عدم میں دلتوں کے مسائل و موضوعات کو تاریخی حقائق اور پورے قرب کے ساتھ پیش کیا جائے وہ دلت ادب ہے. دلت بات کے دیگر زبانوں کی مانند اردو افسانوں میں بھی ظلم و استحصال پر مشتمل نئے مسائل کی خاطر خواہ ترجمانی کی جائے. امید ہے کہ اردو کی موجودہ فکشن نگار دلتوں کی قابل رحم زندگی, ان کے مختلف مسائل کو اپنی تحقیقات میں خلوص و محبت کے ساتھ پیش کریں گے. شکریہ. شکریہ جناب رام اگرے صاحب, آپ نے اپنا مقالہ پیش کیا اردو افسانوں میں دلت مسائل کی عکاسی. خواتین و حضرات, ابھی تک اس اجلاس میں پانچ مقالے پیش کیے گئے ہیں. آج کے اس اجلاس کا آخری مقالہ ہے, محترمہ نور افشاں پیش کریں گی. اور تمام حاضرین, میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں. میں نور افشاں, ریسرچ اسکالر, جے پرکاش یونیورسٹی, چھپرا, بہار. میرے مقالے کا عنوان ہے شکیلا اختر کے افسانوں میں مسائل نسواں. 20ویں صدی کے اوائل میں اردو افسانہ نگاری کی ابتدا ہوئی تو مردوں کے شانہ بشانہ خواتین افسانہ نگاروں نے بھی اس فن کو پروان چڑھانے میں معاونت کی اور اپنے تجربات مشاہدات سے افسانے کے دامن کو وسیع کیا. سرزمین بہار میں جہاں ایک طرف عظیم شعرا پیدا ہوئے, وہی دوسری طرف صاحب تجربہ نے اردو ادب کے دامن کو جمہرات سے پر کر دیا. جس طرح دنیا شاعری میں شاد عظیم آبادی نمائندے تسلیم کیے جاتے ہیں, اسی طرح نثر نگاری کے میدان بالخصوص جہانی افسانہ نگاری میں شکیلا اختر کی اپنی شناخت ہے. انہیں بہار کی پہلی خاتون افسانہ نگار ہونے کا شرف حاصل ہے اور زندگی کے آخری ایام تک وہ افسانہ نگاری کے فن کو معیار وقار بخشنے میں منہمک رہے. شکیلا اختر کے پیدائش کے سلسلے میں ہنوز کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی, البتہ پروفیسر وہاب اشرفی کے حوالے سے ناقدین اس بات پر متفق ہیں کہ ان کی پیدائش بہار قصبہ ارول, جو کہ ضلع کا درجہ حاصل کر چکا ہے, کہ دینی و علمی گھرانے میں
सन 1919 ईस्वी में हुई। उनकी तालीम घर की जहाद दीवारी में हुई और वह स्कूल और कॉलेज की तालीम से नाबलद रहीं। बावजूद इसके शौके मुताला ने उन्हें उर्दू शायरी से रगबत दिलाई और मीर, गालिब, मोमिन और इकबाल जैसे शोरा के कलाम पर उन्हें दस्तरस हासिल हुई। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि उनके यहाँ नसरी मैदान नहीं मिलता, बल्कि उर्दू के मुतबर नसार से भी उनकी वारफ्तगी देखने को मिलती है। मुंशी प्रेमचंद उनके महबूब अफसाना निगार हैं, जिसकी बना पर शकीला अख्तर का अदबी शऊर अफसाने की तरफ मायल होता चला गया। शकीला अख्तर का तख्लीकी सफर उनके पहले अफसाना रहमत से सन 1936 ईस्वी में शुरू हुआ, जो महनामा अदबे लतीफ लाहौर में शाया हुआ। ये अहद प्रेमचंद का आखिरी जमाना और तरक्की पसंद तहरीक का इब्तदाई दौर था। शकीला अख्तर ने अदबी विरासत से फायदा उठाया, लेकिन उन्होंने किसी मखसूस नुक्ते नजर की तर्जुमानी नहीं की। उनका तख्लीकी सफर तकरीबन 55 सालों पर मुहित है। उनकी पेशकर्दा कहानियों के मुताले से उनके समाजी शऊर, कुव्वत-ए- मुशाहिदा, फिक्री बुलंदी और फनी पुख्तगी का इदराक होता है। दर्पण, आंख मिचोली, डाइन, आग और पत्थर, लहू के मोल, आखिरी सलाम शकीला अख्तर के कुल 6 अफसानी मजमूए हैं और हर मजमूआ अपने अंदर शामिल किसी एक अफसाने के उनवान से है। शकीला अपने गहरे तख्लीकी शोर, गहरी तानिसी बसीरत, फिक्री बुलंदी और अपने इंफरादी इसलूक की बना पर दुनियाए अदब में वह हमेशा कद्र की निगाहों से देखी जाती रहेंगी। शुक्रिया नूर अफशान साहिबा, ये आज का आखिरी मकाला था और मकालात का ये सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है। इस इजलास में कुल 6 मकाले पढ़े गए हैं और तमाम मकाला निगार हजरात ने वक्त की पाबंदी का भी ख्याल रखा है। अब मैं आखिर में इस इजलास के पहले सदर प्रोफेसर नदीम अहमद साहब की खिदमत में तरफात गुजारूँ कि वो आए और अपने सदारती कलमा से हम इनको नवाज। मजलिस मासूम रजाबादी साहब और सामईन में बैठे हमारे कई मुअज्ज़ज़ मेहमान प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब, प्रोफेसर फारूक साहब NCERT, प्रोफेसर सरोज खुदा साहब जामिया मिल्लिया इस्लामिया, डॉक्टर मशीर अहमद साहब जामिया मिल्लिया इस्लामिया, डॉक्टर तनवीर साहब जामिया मिल्लिया इस्लामिया और इमरान साहब भी थे, प्रोफेसर इमरान साहब वो बाहर की तशरीफ ले गए हैं, प्रोफेसर मुश्ताक आलम कादरी साहब और हमारे दीगर साथी जनाब शाहनवाज साहब और मुफीन साहब भी इधर तशरीफ रखते हैं। बहुत सारे के नाम शायद मैं ना बोल पाऊँ तो उसके लिए माजरत खां हूँ। इमरान साहब आ गए हैं, तुमसे बता दीजिए उनका नाम भी लिया मैंने। आज मैं नॉस्टैल्जिक हो गया हूँ, आज आवाज़ कम आ रही है, हम सोच रहे हैं इसको हटा दें ऐसे ही जाए। अब ठीक है, मैं असल नॉस्टैल्जिक हो गया हूँ सर, इसलिए आवाज़ नहीं आ रही होगी हम भाई की। ये जो आप सब बैठे हैं यहाँ, 1999 में हम लोग यहाँ बैठने की हिम्मत उस वक्त नहीं होती थी हम लोगों की, हम लोग इधर कहीं बैठे थे। सरवर साहब इसके गवाह हैं और मदर साहब, पहला जो रिसर्च स्कॉलर सेमिनार हुआ था उसके पार्टिसिपेंट्स मैं और सरवर साहब थे। ये 1999 की बात है, उसी वक्त रिसर्च स्कॉलर सेमिनार की इब्तदा हुई थी। मुझे लगता है कि गालिब पे कोई पर्चा मैंने पढ़ा था, सरवर साहब ने भी कुछ पढ़ा होगा। उसमें कई साथी जो हैं हमारे सब प्रोफेसर हो गए हैं या होने वाले हैं, कुछ के नाम याद हैं। एक साहब हैं टोंक में, राशिद मियां, जानते हैं वो भी उस सेमिनार में थे। एक हमारे साथी हैं ज़ुबैर शादाब, अलीगढ़ में हैं डॉक्टर ज़ुबैर शादाब साहब, वो भी एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो इम्कान रोशन है इस तरह, इंशाल्लाह आप सब भी। लेकिन हम लोगों को जितना टाइम नहीं लगना चाहिए, मुझे लगता है 24 साल लग गया इधर आने।
तो खुदा करे कि जल्द ही आप लोग जहाँ हम बैठे हैं वहाँ आप बैठे हैं, मेरी दुआ है। और सदारत जो है, जो सदारत के खुतबे होंगे वो मासूम मुरादाबादी साहब देंगे। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि ये मैं सबको दुआएं देता हूँ और सबकी तारीफ भी करता हूँ। जैसे वसीम ने कहा कि यहाँ आके खड़ा होना ही जो है वो अहम बात है, वाकई अहम बात है। और जैसे उसकी सूरत हाल थी, कॉन्फिडेंस जो है, खुद एतमादी जो है, तो आप आइए यहाँ, आप बोलिए, आप मजलिस को फेस कीजिए, सामने वाले को फेस कीजिए। और जब आप फेस कर रहे हो तो समझिए कि इनमें से किसी को कुछ नहीं आता है। आपका मौजू जो है ख़ास तौर से, चूँकि ये पी एच डी के मकाले के हवाले से आपको मौजू दिया गया था मदर साहब, कि उन्हीं मौजूद से पढ़ें जिस जो आपके पी एच डी के मकाले हैं। कुछ क्योंकि यहाँ कॉन्फिडेंस जो खुद एतमादी है वो कम है, तो ज़बान भी उलट पलट होती होगी या होती है, तो उसमें तस्किर और तानीस का मसला भी हो जाता है। कुछ किसी ने पढ़ा जो पिछले सेशन को भी मैं देख रहा था, तो जब आप मकाला पढ़ने आएँ तो ज़रूर 2-4-10 बार पढ़ के आएँ। ऐसा लगता है कि आपने लिखा हो या आपने ना लिखा हो या आपने कम लिखा हो, तो उसको खोज के तलाश के अल्फाज को पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके किसी का मैंने मकाला देखा है बहुत बारीक फॉन्ट में लिखा हुआ है ना, तो उसको भी अगर बड़ा करके लिख के लाएं तो मुझे लगता है कि पढ़ने में आसानी होगी। मनमोहन सिंह को एक बार देख रहा था किसी स्पीच में, क्योंकि उनकी अक्सर तहरीरें जो है उर्दू में लिखी होती हैं, तो स्क्रीन जो कैमरा ले रहा था टीवी का, तो वो उनके पर्चे को भी दिखा रहा था। तो उर्दू में चूंकि उनके अक्सर जो स्पीचेस होती हैं वो लिखी रहती थी, तो देखा कि बड़े फॉन्ट में लिखा हुआ है वो। तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों को भी उस तरह से सीखना चाहिए, देखना चाहिए कि जब आप पढ़ने आएँ तो आपकी जो पढ़ने की रवानी है वो भी, क्योंकि बड़ा होगा तो आपको दूर से ही दिखेगा। और 2-4 बार अगर आप अपने मकाले को पढ़े होंगे, हालांकि आपने ही लिखा है, पढ़ा होगा, तो उसको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और जहाँ तक मौजूआत वगैरह हैं, नईम रज़ा साहब है ना, ये एक इस इजलास की एक और खूबसूरती ये थी कि अख्तर और एनवी से शुरू होकर के शकीला अख्तर पे ख़त्म हुआ। पता नहीं क्या कि ये उसमें इत्तफाक है या क्या कहें इसको। दोनों शायद आप दोनों मकाला नगार या बहुत सारे लोग जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट थे वो, है ना, और दोनों अपने अपनी दुनिया में अहम नाम था उनका अपने फील्ड में। एक चीज़ जो मुझे मदर इसमें कमी लगी, या हो सकता है उस तरह की पीएचडी या उस तरह के स्कॉलर का इंतखाब नहीं हुआ हो, शायरी में कोई पर्चा नहीं था, तो फिक्शन के हवाले से ज़्यादातर पर्चे थे। काम भी हम लोग उसी तरह के कर करा रहे हैं आसानी के लिए। इसमें एक हमारे उस्ताद भी पर्चा पढ़ा गया, शारिफ दौलवी साहब थे, इन्होंने जो वसीम भट्ट ने ही शारिफ दौलवी साहब पे पर्चा पढ़ा था। जिस तरह की के नफीस इंसान थे, उस तरह की तहरीरें भी उनकी होती थी, और ज़िंदगी के रख रखाव में भी उसी तरह से नफीस थे। फैज़ानुर रहमान साहब ने शौकत हयात के हवाले से बहुत खूबसूरत पेपर पढ़ा, और जो बाबरी मस्जिद के हवाले से जो जिक्र आप कर रहे थे कि उसमें गुंबद के कबूतर में बाबरी मस्जिद कहीं नहीं आया, सिम्बॉलिक रहा वो, तो जाहिर सी बात है वो मशाक अफसाने निगार थे, और सारी चीज़ों को अगर टच करें तो उसमें खूबी के बजाय खामी नज़र आती। एक चीज़ जो आप लोगों से हम एक्सपेक्ट करते हैं, मैं चाहता हूँ कि जो नई नस्ल है वो हम लोगों को रद्द करे पुरानी नस्लों को या पिछली नस्लों को, हालांकि अदब में इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बेअदब समझा जाता है, तहजीब से खाली समझा जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि साइंस में जिस दिन से सर्च होती है उसी दिन से रिसर्च शुरू हो जाता है,
और रद्द करने वाले पिछले कुल्ले को, पिछले उसूल को, पिछली थेसिस को अगर कोई रद्द करता है तो उसको नोबेल प्राइज भी मिलता है। हमारे यहाँ अगर कोई रद्द करने की कोशिश करता है तो उसको बदतमीज, बदतरजीब, इस तरह के नाम से नवाजा भी जाता है। लेकिन आप कीजिए, इतनी जुरत पैदा कीजिए कि पिछली चीज़ों को रद्द कीजिए। लेकिन रद्द करना सिर्फ इसलिए नहीं कि उसको हकारत की नज़र से देखना है, नई चीज़ें आप बाहर लेके आइए, है ना। आपका जो सर्च हो, आपकी जो रिसर्च हो, आपकी जो तहकीक हो, वो पुरानी चीज़ों को अगर रद्द करते हैं तो दलायल के साथ रद्द कीजिए और अपने काम को उस तरह से दिखाइए कि आप ऐसा कर रहे हैं। तो अख्तर ओरेनवी हैं या शकीला अख्तर हैं, ये सब या दलित अदब की जो शुरू का इब्तदाई हिस्सा था वो जो आप ज़्यादा पढ़ रहे थे, वो मुझे लगा कि चूँकि दलित अदब के अफसानों में आप तलाश रहे थे उनकी आवाज़ को या उनके मसाइल को या उनकी चीज़ों को, तो मुझे लगा ऐसा कि शुरू में हो सकता है पीएचडी का हिस्सा हो आपका और आपने ज़्यादा लिखा हो और आज यहाँ उसी हिस्से को ज़्यादा पढ़ दिया हो आपने। तो दलित अदब क्या है, मुझे लगता है कि ऐसा आप पढ़ रहे थे, तो उसको भी जब आप एक 10 मिनट का पेपर पढ़ने आते हैं तो इन तमाम चीज़ों को उस 10 मिनट में सुनाना है तो बैलेंस होना चाहिए, थोड़ा सा तकी हिस्सा हो और फिर मौजूद आ जाइए। अगर आप तमहीद को ही पढ़ा बड़ा कर देंगे तो मौजू जो है वो पीछे चला जाता है जिसको आपको पढ़ना था। तो यही कुछ चीज़ें हैं और सभी ने, इन लड़कियों ने फारसी की जो बच्ची थी अलीगढ़ से तशरीफ लाई हैं, तो ज़्यादातर मुझे आपसे ही वो है, कौन आप जो है पढ़ जब रही हैं फारसी वाले को तो उर्दू बहुत अच्छी पढ़नी चाहिए, है ना, तो थोड़ा सा उसको बेहतर करने की कोशिश करना है। और सभी को बहुत मुबारक, सामईन और जो यहाँ बैठे हैं वो सब इसलिए आए हैं कि खाना खाने नहीं आए, सुनने आए, देखिए उससे बहुत पहले से ये लोग बैठे हुए हैं। हम लोगों के ज़माने में खाने के वक्त हम लोग आते थे, आज जो है आप लोगों की गुफ्तगु सुनने आए थे, आपकी बातें सुनने आए थे और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बेनिफिटेड हुए होंगे ये लोग भी। तो इस तरह की चीज़ें जब आप अपना पेपर पढ़ते हैं तो इस तरह की बातें होनी चाहिए। और इसके जो जो मकाले आप पढ़े गए उसके फ़नी या इस तरह के मामला जो है वो सिर्फ अभी सिर्फ लिखिए, खूब लिखिए और जो लिख रहे हैं उसको दलायल के साथ पेश कीजिए, अपनी बात मनवाइए। मेरी यही आप लोगों से दुआ है और इस गालिब इंस्टीट्यूट के जो मुंतजिम हैं, इदरीस साहब तशरीफ़ रखते हैं, माजर साहब हैं, तिलवई साहब हैं, सब पढ़े हैं, तो इन सब का बेहद शुक्रिया कि इस तरह की महफिलें मुनाकिद करते रहें और इन बच्चों को तरबियत से गुजारते रहें ताकि आने वाले दिनों में ये यहाँ ज़रूर बैठे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर पदार्थी कलमा से नवाजने के लिए। इस इजलास के आखिरी सदर जनाब मासूम मुरादाबादी साहब की खिदमत में गुजारिश गुजार हूँ कि वो आए और सदारती कलमा से नवाजें। सदर जलसा जनाब नदीम मसाद, सब सामईन में इतने लोग मौजूद हैं कि मैं सबका नाम लूँगा और किसी का छोड़ गया तो फिर वो भी एक बुराई होगी। मेरे सारे दोस्त यहाँ बैठे हैं। बहरहाल एक सहाफ़ी को किसी सेमिनार की सदारत करते हुए देख कर के कुछ अजीब सा तो लगा होगा। सहाफ़ियों को आमतौर पर अदब की दुनिया में पढ़ा लिखा आदमी नहीं समझा जाता, उन्हें रोजनामते नवीस समझा जाता। ये एक अलमिया है, मुझे माफ़ किया जाए, मैं ये तो नहीं आपसे कहता कि मैं अदब का आदमी हूँ, सहाफत मेरा प्रोफेशन है, शायरी मेरी कमज़ोरी है और अदब का मैं एक तालिबे इल्म हूँ बहुत अदना सा।
और यहाँ मुश्ताक कादरी साहब बैठे हैं, ये कुछ मेरी तहरीरों का जिक्र कर रहे थे सोशल मीडिया के बारे पर। कुछ लिखता हूँ, लोग पसंद करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, इधर उधर करते हैं, रेस्पॉन्स देते हैं, अच्छा मुझे अच्छा लगता है। अखबारों में भी छपता हूँ, पूरे हिंदुस्तानी के अखबारों में मदानी छपते हैं, लेकिन सोशल मीडिया की ये खूबी है कि उसका रेस्पॉन्स फौरन आता है, अखबार का नहीं आता। अखबार में पढ़ा आदमी भूल गया। मुझे यहाँ करके एक खुशी इस बात की हुई, मैं पहली बार ये रिसर्च स्कॉलर सेमिनार में शरीक हुआ हूँ और डॉक्टर इदरीस अहमद साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया। और सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने जिस किस्म के लोगों को, जिस जिन स्कॉलर्स को यहाँ मधु किया है, उनमें बड़ी वैरायटी है। और कहाँ कश्मीर से बरेली में, जहाँ रॉयलकंड यूनिवर्सिटी में, जहाँ से मैंने एमए की डिग्री हासिल की थी, कभी वहाँ से एक नौजवान कश्मीर से पहुँचा है रॉयलकंड यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के। मगर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई राम उगरे को देख कर। जब ये अपना मकाला पढ़ने के लिए यहाँ आए तो मुझे लगा कि शायद ये हिंदी स्क्रिप्ट में होगा या रोमन में होगा या किसी और स्क्रिप्ट में होगा, लेकिन इनका मकाला ठीक है। किस स्क्रिप्ट में? मैं एक दिन पटना में था, कई बरस की बात है, उर्दू डायरेक्टरेट का एक मुशायरा था, उन्होंने मुझे ले जाके स्टेज पे बिठा दिया। शायर और शायरात आ रहे थे और सब दूसरी जबान दूसरे स्क्रिप्ट में लिख करके अपना कलाम लेकर जा रहे। उर्दू के शायर हैं, उर्दू में शायरी करते हैं, लेकिन उनको उर्दू लिखनी नहीं आती, शर्म की बात है। 50,000 रुपए 25,000 रुपए उनको मुआवजा मिलता, लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि उर्दू में अपना कलाम लिख सके। शायरी उर्दू की है, कंधे में उर्दू के सवार है, लेकिन लिखते हैं देवनागरी या रोमन लिखते हैं, शर्म आती है। ऐसे लोगों का नाम लेते हैं। राम उगरे उन जैसे लोगों से बहुत गनीमत है। मैं इनको सलाम करता हूं। ये हिंदुस्तान की उस मिलीजुली तहजीब का, उस गंगा जमनी तहजीब का की एक निशानी है जो इस मुल्क में मादूम होती चली जा रही है। इन्होंने एक बात कही, दलित अदब पे तो इन्होंने कहा ही, लेकिन इन्होंने कहा कि उर्दू में जो हमारे ऊपर बीत रही है वो भी अदब का हिस्सा बनना चाहिए। वो नहीं बन रहा है। हमारे अदीब लिखने वाले, फिक्शन राइटर या नॉवेल निगार उन चीज़ों को मौजू नहीं बना रहे। हो सकता है कोई खौफ हो, मुझे तो नहीं है, मैं तो खुलकर के नाम लेकर के लिखता हूँ। जिनसे मुझे शिकायत है, जो जुल्म की चक्की पीस रहे हैं, उनके नाम लेकर के लिखता हूँ मैं। लेकिन आप तो बगैर फिक्शन में तो कहीं नाम भी नहीं होता है ना। अगर आप तब भी नहीं लिख रहे हैं उस जुल्म और ज्यादती और मजालिम के खिलाफ, तो फिर आप अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे। चूंकि हर अदब अपने अहद का तर्जुमान होता है, इस अहद में क्या हुआ है, किस किस्म की चीखें थी, किस किस्म की पुकार थी, किस किस्म के तकाजे थे, अगर वो आपकी तहरीरों में मुनक्कस नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहे हैं, आप मुंशीगिरी कर रहे हैं। इस पर जरा गौर करना चाहिए, इस पर जरा सोचना चाहिए। और मौत से या से नहीं डरना चाहिए। मौत तो इंसान को एक बार आती है, बार बार तो नहीं आती, लेकिन ये जरूर देखा जाता है कि जब लोगों की मजालिम हो रहे थे, उनकी चीखें निकल रही थी, उनका जीना दूभर कर दिया गया था, तो हमारे अदीब क्या कर रहे थे, हमारे शायर क्या कर रहे थे? वो गुलो बुलबुल की बातें कर रहे थे,
یا زخموں کی باتیں کر رہے تھے. احمد فراز کا ایک شعر ہے, زخم کو بھول تو سرسر کو صبا کہتے ہیں, جانے کیا دور ہے کیا لوگ ہیں کیا کہتے ہیں. پر میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اس سما خراشی کے لیے, کچھ باتیں دیکھیے, ایک صحافی جو ہوتا ہے نا اس کی باتیں کچھ ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہیں, سیدھی نہیں ہوتی, کیونکہ وہ جس پروفیشن سے وابستہ ہوتا ہے اس میں اس کی ذمہ داریاں ذرا مختلف ہوتی ہیں. جو مقالے یہاں پڑھے گئے پہلے سیشن میں بھی میں نے سنے اور دوسرے میں بھی سنے, ایک تو دیکھیے طالب علم ہیں, آہستہ آہستہ چیزوں کو سیکھتے ہیں. جب آپ مائک پر ہیں, اسٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں, تو آپ کا آئی کانٹیکٹ اپنے سامعین سے ہونا بڑا ضروری ہے. اگر یوں ہی آپ پڑھتے 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 چلے جائیں گے تو ایسا لگے آپ کتاب پڑھ لیں. جب تک آپ مخاطب نہیں ہیں مقالہ پڑھتے ہوئے, تو تب تک آپ کا تعلق آپ کے ریڈر, آپ کے سامعین سے, حاضرین سے نہیں بنتا ہے. صرف پڑھ کر کے سپاٹ سے انداز میں چلے جانا یہ کوئی ہنر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ الفاظ کا استعمال, ان کی ادائیگی کیسی ہو رہی ہے, یہ اسٹیج اس کا متقاضی ہے کہ آپ ادبی ادبی مت بولیے, ادب یہ لفظ ہے ادب. اور بھی بہت سارے الفاظ استعمال کیے گئے. تو اب ایک صاحب نے فکر و شخصیت ایک ٹیکنک استعمال کی, یہ نہیں ہے, پہلے شخصیت ہوتی ہے پھر اس کی فکر ہوتی ہے, شخصیت اور فکر. پھر دیکھیں زبان جو ہے نا, جب آپ ادب کو پڑھ رہے ہیں, جب آپ مطالعہ کر رہے ہیں, تو کچھ جدت ترازی ہونی چاہیے آپ کی تحریر میں. جو کچھ آپ نے لکھا ہے اس میں کچھ لفظیات ایسی استعمال کی جانی چاہیے تاکہ سننے والوں کو اچھا لگے. وہ ایک ٹریڈیشنل لینگویج جو ہے پرانی چلی آ رہی ہے بہت زمانے سے, اس سے تھوڑا سا انحراف بھی کیجیے, نئے الفاظ استعمال کیجیے. الفاظ کی کوئی کمی نہیں ہے, زبان ہماری کوئی اتنی کمزور نہیں ہے, اتنی غریب زبان نہیں ہے, اس میں کتنے مترادفات ہیں, کتنے اچھے اچھے الفاظ استعمال آپ کر سکتے ہیں. تو آپ تھوڑا سا لوگوں کو یہ آپ کی بات سن کر کے دیکھیں, جب تحریر اور تقریر اور یہ سب دو الگ الگ چیزیں ہیں نا, تو میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ جب آپ بول رہے ہیں یا الفاظ ادائیگی کر رہے ہیں الفاظ کی, تو ان کا صحیح پرونسیشن, ان کا صحیح استعمال اور ان کی ادائیگی بہت ضروری ہے. اب میں ریسرچ کی طرف آتا ہوں. دیکھیے میں نے جب ایم اے کیا تو میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے کہا آپ پی ایچ ڈی کر دو, لیکن یاد رکھنا پی ایچ ڈی میں کوئی فیل نہیں ہوتا ہے. تو میں نے کہا میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس میں آدمی فیل نہ ہو. میں نے پی ایچ ڈی نہیں کی, اب میں آپ کو ایک طرح تف بات بتانا چاہتا ہوں. ایک نوجوان میرے پاس آیا, کئی برس کی بات ہے, اس نے کہا میں فلاں فلاں سبجیکٹ پہ پی ایچ ڈی کر رہا ہوں, اور کسی نے مجھے آپ کا نام دیا ہے کہ آپ اس پہ بڑا مواد فراہم کر سکتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, کچھ کرنٹ افیئر سے متعلق. وہ کئی بار میرے پاس آتا رہا, میں اس کو مواد دیتا رہا, کچھ بریف کرتا رہا, اس کی پی ایچ ڈی مکمل ہو گئی. ایک دن اردو بازار میں بیٹھا تھا مکتبہ جامعہ میں, تو اس کی کتاب میں نے دیکھی. اگر میں جھوٹ نہ بولوں تو اس کی 90% پی ایچ ڈی میں نے کرائی, لیکن جب میں نے وہ اس کا پی ایچ ڈی کا مقالہ دیکھا تو اس نے 10 پیج کا مضمون لکھا تھا اپنے انچارج سپروائزر کی تعریف میں, جس نے اس کو کچھ نہیں کرایا, اور اس نے ایک لائن میرے بارے میں نہیں لکھی کہ یہ معصوم مرادآبادی نام کا گدھا تھا جس نے میرے اوپر اتنا وقت ضائع کیا, اتنی مجھے چیزیں پرووائڈ کی, اس کا میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. نہیں کیا,
उसके बाद मैंने तौबा कर ली, मैं किसी रिसर्च स्कॉलर को एंटरटेन नहीं कर पा, क्योंकि ये एक किस्म का करप्शन है। मैं, मुझे जरूरत नहीं है शुक्रिया की आपको, खुदा का शुक्र है, लेकिन ये आपका करेक्टर है कि वो आदमी जिसने आपको कुछ नहीं कराया सुपरवाइजर, उसकी तारीफ में आपने 10 पेज लिखे। आपको अगर आप सच्चाई पे कारवाई होते तो आप लिखते कि ये बड़ा नाकारा सुपरवाइजर था, इसको कुछ पता ही नहीं था इस सब्जेक्ट पर, नहीं लिख सकते ना आप, क्योंकि आपको पीएचडी नहीं मिलेगी। फिर देखिए 10 किताबें सामने रख करके एक किताब लिख देना कोई कमाल का काम नहीं है। रिसर्च किसे कहते हैं? एक नौजवान मेरे पास सिंगापुर से आया, वो उर्दू जर्नलिज्म पर रिसर्च कर रहा था, सिंगापुर से चल के दिल्ली आया, उसने मेरा इंटरव्यू किया उर्दू जर्नलिज्म के बारे में, मुझसे मालूम किया कि ये क्या चीज है। उसमें अंग्रेजी में उसका पेपर छपा, नेट पर भी मौजूद है, उसने सब मुझे कोट किया, जहां जहां भी मैंने वो कुछ उसको कहा, किताबें भी बताई, सब कुछ किया। रिसर्च के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। आप मुझे बताइए, मेरे दोस्त ख्वाजा इकराम यहाँ बैठे हैं, कि पिछले कितने तवील अरसे से कोई ऐसी किताब आई हो सामने जिसने किसी ने कोई धमाका किया हो, कोई आंखें खोली हो कि फला आदमी ने ये रिसर्च कर दी साहब, ये निकाल करके लाया। जो कुछ लिखा हुआ है उसके तबादात को नकल कर देना क्या कमाल है। आप क्या रिसर्च कर रहे हैं, क्या निकाल कर आ रहे हैं आप जमीन में से, ये बड़ी मुश्किल का काम है। क्योंकि तन आसानी जो है ना वो हमारा मिजाज है, पकी पकाई मिल जाए, खाना जो है हमें अभी पका पकाया मिल जाएगा खा लेंगे हम। यही अगर इदरीस साहब कहे साहब अपना अपना खाना खुद पकाइए तो हम पका सकते हैं, कितने लोग पकाएंगे। तो दोस्तों बातें कुछ तल्ख जरूर है, लेकिन देखो सच्चाई जरा तल्ख होती है। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि आप जिस सब्जेक्ट पे भी रिसर्च करें उसकी तह में चले जाइए। आप ये नहीं कह साहब बताया कि फला फला किताब आप देख लीजिए, और मैंने 2007 में एक किताब लिखी 1857 की 150 साल तकरीबात मनाई जा रही थी, तो मेरा सब्जेक्ट था कि उर्दू सहाफत का क्या रोल था 1857 में। जब मैंने लाइब्रेरियों में जाकर के देखा तो कोई मवाद ही नहीं था उसका, कहाँ हैदराबाद अलीगढ़ कहाँ कहाँ की लाइब्रेरियाँ खाली, मैंने नेशनल आर्काइव्स कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन मैंने किताब लिखी। ख्वाजा इकराम साहब ने उस पर बड़ा अच्छा तबसरा किया था मेरी किताब पर, उर्दू साहब को तो जंग आज़ादी 1857 में। मैं रिसर्च स्कॉलर नहीं हूँ, मैंने किसी यूनिवर्सिटी में किसी कॉलेज में नहीं पढ़ा, मैंने अहले इल्म के कदमों में बैठ करके इल्म को सीखा। आपसे भी मेरी ये गुजारिश है कि जो पढ़े लिखे लायक और फायक लोग हैं उनके पास वक्त गुजारिए। सिर्फ किताबें पढ़ने से आपको इल्म हासिल नहीं होगा, जब तक आप सोबत नहीं उठाएंगे अच्छे लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की, लायक लोगों की, तब तक आपके अंदर हुनर पैदा नहीं होगा, और यही एक तरीका है। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने शरारती कलमात में बहुत अहम निकात की तरफ इशारा किया। अब मैं इजलास के बिल्कुल आखिर में गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनाब इदरीस अहमद साहब और डॉक्टर महजर रजा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने निजामत के लिए मुंतखब किया, और साथ ही इंस्टीट्यूट के तमाम अरकान का भी शुक्रिया। सर आपने खिदमत में दरख्वास्त है कि आप लंच के लिए बाहर तशरीफ ले चलें, तैयार हैं। आएगा।
मैं डॉक्टर शाहनवाज फैयाज, मैं शोबे उर्दू जामिया मिल्लिया इस्लामिया से वाबस्ता हूँ। गालिब इंस्टीट्यूट का ये जो रिसर्च स्कॉलर सेमिनार है, जाहिर है कि रिसर्च स्कॉलर के लिए एक तरह से जश्न है, जहाँ नए लिखने वालों को एक तरह से तैयार किया जाता है, उनकी तरबियत की जाती है। और 1999 से यह सिलसिला तसलसल के साथ ये जारी और सारी है। 2011 में मुझे भी यहाँ पेपर पढ़ने का इत्तेफाक हुआ था, तब ये इतना खूबसूरत हाल नहीं था, एक लाइब्रेरी थी, लेकिन उस वक्त सफ़े सामने में जो कहकशा थी, अब शायद वो कहकशा नज़र नहीं आती है। लेकिन बहरहाल रिसर्च स्कॉलर की जो उमंग है और जिस तरह से वो पेपर पढ़ रहे हैं, इसमें मुझे लगता है कि इनको तैयार करने के लिए, इनको स्टेज पर आमादा करने के लिए गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर इदरीस साहब का और हमारे दोस्त डॉक्टर महज़र रज़ा साहब का, पूरा जो यहाँ का इंतज़ामी अमला है, वो जिस तरह से इस हवाले से काम कर रहे हैं, मुसलसल सेमिनार, सिम्पोजियम, लेक्चर्स, कुछ ना कुछ यहाँ होता ही रहता है। एक तरह से अदबी सरगर्मी का इस वक्त गालिब इंस्टीट्यूट मरकज़ बना हुआ है, और उस मरकज़ में एक ऐसा सेमिनार जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दूसरे ममालिक के रिसर्च स्कॉलर को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, इसका बुनियादी फ़ायदा जो है वो ये है कि हम न सिर्फ ये है कि दो रिसर्च स्कॉलर से मिल रहे हैं, बल्कि दो रिसर्च स्कॉलर के मौजू से भी हम एक तरह से मुतारिफ़ हो रहे हैं। तो एक बड़ा काम है, इसके लिए मैं गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को मुबारकबाद पेश कर रहा हूं। और इस तरह का सेमिनार जो है, ये सिर्फ गालिब इंस्टीट्यूट और उर्दू एकेडमी दिल्ली मुनाकिद करती है, और यकीनन एक नए लिखने वालों के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसको मुहैया करते हैं। तो इसके लिए मैं डायरेक्टर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आने वाले जो मकाला निगार हैं उनको अपनी नई ख्वाहिशात पेश करता हूँ। यकीनन वो आने वाले वक्त में जब इसको याद करेंगे तो उनको लगेगा कि वो पहला कदम था, जिस तरह से एक बच्चा अपनी माँ का या अपने बाप का पहला कदम चलने के लिए उंगली पकड़ कर चलना सीखता है, तो जब भी वो जहाँ भी पहुँच जाता है उस पहले कदम को हमेशा याद रखता है। तो बच्चा जो रिसर्च स्कॉलर आज पहली मरतबा पेपर पढ़ रहा है, दुनिया के जिस कोने में भी जाएगा इस कदम को याद करेगा, और यही उसकी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जो बहुत दूर तक लेकर जाएगा। बहुत शुक्रिया, मैं डायरेक्टर साहब को बहुत मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, यकीनन बड़ा मज़ा आ रहा है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।